शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिसेस लक्ष्मी चौधरी हैं? जी हाँ दीदी, आपसे कोई मिलने आए हैं। आइए बैठिए। मैडम हम लोग का काम खड़े रहना है, बैठना नहीं। कहिए क्या काम है? हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आदमी हैं। आपके हस्बैंड दिनकर चौधरी के रेड गिरी है, आप चलिए। अब मैं क्या करूँ? घबराओ मत दीदी, इनकम टैक्स के लोग हैं, कोई भूत प्रेत नहीं जो कच्चा खा जाएंगे। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, चल। साहब कहाँ है? अंदर है। सरस्वती सरस्वती, हम लुक गए, हम बर्बाद हो गए, अब क्या होगा? अरे भगवान, कितनी बार तुमसे कहा था ना कि लॉकर की चाबी भगवान के पीछे मत छुपा कर रखा करो। अब हम पकड़े गए ना, वो सब ले जाएंगे, सोना, पैसे, घर। ये घर भी? सब कुछ लक्ष्मी, सब कुछ। नहीं नहीं, इस घर को बचा लीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, हमें घर से बेघर मत होने दीजिए। ठीक है, आज हमारी शादी की 25वीं सालगिरह है, मैं तो तुम्हें कुछ मना ही नहीं कर सकता। अब मैं वही करूंगा जो ऐसे मौके पर हर बेवकूफ बीवी का अकलमंद शौहर करता है। थैंक यू, ये लो, भूस के 100-100 रुपए संभालो और चलते बनो। ये क्या चौधरी साहब, सिर्फ 100-100 रुपए? अरे भाई देखो, जब 1000 कंजूस मरे थे तब मैं पैदा हुआ था। ये रख लो, वरना ये भी वापस ले लूंगा और पुलिस को टेलीफोन करूंगा कि फिल्म वालों ने नकली पुलिस की वर्दी पहनकर मेरी बीवी को किडनैप किया। साहब जैसा आपने बोला था वैसा ही किया, फिर भी डायलॉग बोलने का रेट ज्यादा ही होता है। कम से कम आज तो दरिया दिली दिखाइए, आखिर सिल्वर जुबली का मामला है। ओके, कोशिश में 10-10 रुपए और ले लो और दफा हो जाओ यहाँ से। जी थैंक यू। क्यों जीजा जी, क्या ये इनकम टैक्स के आदमी नहीं थे? झोंका खा गई ना। लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत थी? शादी की 25वीं सालगिरह पर जब किसी की बीवी उसके साथ ना होकर मायके जाकर बैठी रहती है तो और क्या कर सकता है वो आदमी? देखिए, आपके मजाक करने की आदत एक दिन इस घर को तबाह करके रखेगी। हर चीज की एक हद होती है, अगर मुझे हार्ट अटैक हो जाता तो। हार्ट? तुम्हारा हार्ट तुम्हारे पास है कहाँ? वो तो 25 साल पहले जब हमने अपनी सुहागरात मनाई थी तो तुमने मुझे दे दिया था। ये आप क्या कह रहे हैं, आपकी साली यहाँ खड़ी है ना? ऐसे डरा रही हो जैसे कोई तोप खड़ी है यहाँ। ये तो साली तो आधी घरवाली होती है। हेलो। ये लो। अरे वाह, कितना सुंदर है, मेरे लिए?
जीजा जी, लगता है आपके मजाक करने की आदत और सोना खरीदने का शौक कभी खत्म नहीं होगा। मजाक की आदत शायद चली भी जाए, लेकिन असली सोना जैसी गांव की शुद्ध लड़कियां, गांव की शुद्ध लड़कियों जैसा सुंदर सोना शायद इसकी चाहत कभी नहीं जाएगी। कॉन्ग्रेचुलेशन अमीर अरीफ, आपके शादी की 25वीं सालगिरह पर हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन। देखा जीजा जी, आपका बेटा कितना चाहता है अपने मम्मी डैडी को, एक ही माला में दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार तो अब अमित को होना है शादी की वरमाला से। बेटे, अपनी शादी की जुबली पर मैं तुम्हें यही तोहफा देना चाहता हूँ। फिर वही बात डैडी, नॉट नाउ डैडी। आपको मालूम है कि ये वरमाला मुझे बहुत भारी पड़ेगी, मुझे MBA के लिए लंदन जाना है, मुझे अपना करियर शुरू करना है, आप जानते हैं। बेटे, अच्छी बीवी पाने से बढ़कर कोई करियर नहीं, बाकी सब तो चलता है। अपनी माँ को देखो, जब से मैंने इससे शादी की, मेरा करियर बन गया और इसने भी मुझे तुम्हारे जैसा खूबसूरत प्यारा सर्टिफिकेट दिया। इसलिए बेटे, फटाफट कर लो, लड़की भी मैंने पसंद कर ली, बस सिर्फ हाँ करने के लिए कल निर्मल गांव जाना है। निर्मल गांव? बेटे, तुम तो ऐसे बोल रहे हो गांव जैसे कि मेरे गांव बोलते ही तुम्हारे पूरे बॉम्बे शहर में आग लग गई। हाँ, गांव, निर्मल गांव, और वहां है असली सोने जैसी खूबसूरत लड़की जो हमारी बहू बनेगी। हमने उसकी फोटो भी मंगा ली, तुम्हें दिखा है? नहीं, मुझे नहीं देखना, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं। हाँ, देखा लक्ष्मी, अपना बेटा कितना समझदार है, वो जानता है उसके फादर ने जो फैसला किया है उसके ग्रैंडफादर भी उसे नहीं बदल सकते। देखिए डैडी, आप ग्रैंडफादर तक मत जाइए, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि वो करेले की सब्जी कभी नहीं खाते थे। बेटे, करेले की सब्जी सेहत के लिए A1 है मालूम, खून साफ करता है मालूम, दिल और दिमाग बराबर रखता है मालूम। नहीं मालूम, आप गलत बोल रहे हैं। दिल और दिमाग सही रखने की सिर्फ एक ही शर्त है, दिल और दिमाग होना चाहिए। गुड बाय। गुड बाय। सुनो, कल 15 अगस्त हेडमास्टर साहब ने मुझे बुलाया है, लड़की भी वहीं की है। एक पंथ दो काज। बोलो बच्चों, भारत माता की जय। भारत माता की जय। अब मैं अपने मुख्य अतिथि चौधरी साहब से निवेदन करूंगा कि वो बच्चों से दो शब्द कहें। आइए। प्यारे बच्चों, नौनी हालो, भारत माता की बगिया के फूलों, मैं दो शब्द की जगह 4 शब्द बोलूंगा। वही 4 शब्द जो तुम लोग बोल रहे थे, यानी भारत माता की जय। अब मुझे बताओ, भारत माता की जय इसका मतलब क्या है, खासकर भारत माता इसका मतलब क्या है? जो मुझे बता सकेगा मैं उसे इनाम दूंगा। ये क्या बच्चों, जिस भारत माता की तुम लोग जय जयकार कर रहे थे इसका मतलब तुम्हें नहीं मालूम? क्या इस गांव में ऐसा कोई नहीं है जो भारत माता का मतलब जानता हो? जाओ ना, मैं बता सकती हूँ। आओ माधुरी, आओ आओ। चौधरी साहब, ये वही लड़की है जिसके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था। मैंने पहचान लिया। हाँ बोलो बेटी, अगर तुम्हें इसका मतलब मालूम हो तो हो सकता है ये पुरस्कार तुम्हें ही मिल जाए। बोलो। भारत माता का मतलब है हमारा देश, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक, इसमें जो कुछ भी है, बाइबल,
कुरान शरीफ, गीता, ये सब कुछ भारत माता है। भारत माता देश की आत्मा का नाम है, वो महान आत्मा जिसकी पूजा भगवान और माँ की तरह की जाती है, तभी तो वो भारत माता कहलाती है। सब मिलकर एक साथ बोलो, भारत माता की जय। जय। माँ, कहाँ हो तुम? माँ, अपनी माधुरी दीदी को ना पुरस्कार मिला है, इनाम, और इनाम देने वाले खुद घर पे चल के आ रहे हैं। क्या? हाँ माँ, देखो, चलो चलो, आ रहे हैं वो लोग गाड़ी में। माँ बेटी, हाँ आइए। गंगा बहन, यही है चौधरी साहब जिनके बारे में मैंने आपसे बात की थी। चौधरी साहब, आपने आपने आने की खबर तो थी होती। मैं तो बहन जी, आप परेशान मत होइए। दरअसल हेडमास्टर जी ने आज हमें स्कूल में बुलाया था। हमने सोचा क्यों ना दोनों काम साथ कर लें। काम? कौन सा काम? मैं बताता हूँ बहन जी, मैं अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी से बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि ये गाँव की है और गाँव की सुंदरता में ऐसी एक पवित्रता, महानता है जो शहरों में नहीं है। हमारा एक ही बेटा है, तो हम लोगों ने माधुरी की तस्वीर देखकर कुछ सोच लिया था, और फिर माधुरी की सुंदरता के साथ उसकी अकलमंदी देखकर पूरा सोच। क्यों जी? बेटी, अब हमारा पुरस्कार देने का वक्त आ गया है। हम अपना इकलौता बेटा तुम्हें पुरस्कार में देना चाहते हैं। बहन जी, अगर आपको इतराज ना हो तो ये शादी पक्की है। चौधरी साहब, मेरे पास कहने को शब्द नहीं है। इस गरीब की बेटी इतने बड़े घर की बहू बनेगी, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी माधुरी ने बहुत पुण्य किए होंगे बहन जी। पहले दहेज की बातचीत हो जानी चाहिए। चौधरी साहब, ये क्या दहेज? और आप? हाँ, दहेज मुझे चाहिए, क्योंकि दहेज हमारी सभ्यता का एक विशेष अंग है। 25 साल शहर में रहकर भी मैं अपनी सभ्यता को नहीं भूला। दहेज में मुझे चाहिए करेली की भाजी, अरहर की दाल, दम के आलू, हरी मिर्ची का अचार, और अंत में चखा लेने से पहले खीर, इसमें किशमिश वगैरह वगैरह पड़ा। जी हाँ, दहेज में मुझे चाहिए एक वक्त का खाना, माधुरी के हाथ का बना हुआ। वाह बहन जी, सूरत और सीरत दोनों है आपकी बेटी में। खाना जो बनाया है ना, मैं सालों तक उंगलियां चाटता रहूंगा। आप उंगलियां ही चाटते रहेंगे या ब्याह का मुहूर्त भी निकलवाएंगे? मैं बेवकूफ हूँ क्या? यहाँ आने से पहले पंडित से मिलकर शादी की तारीख भी पक्की करी है। अगले मंगलवार बड़ा ही शुभ दिन है, तो आपको कोई इतराज तो नहीं है बहन जी? इतराज कैसे होगा चौधरी साहब, हमारे तो भाग्य ही खुल गए। सर, मेरे भी भाग खोल दीजिए। होने वाले जीजा जी के दर्शन कराकर दीदी ने आपके सवाल का जवाब दिया और आपसे इनाम पाया। मैं अपने जीजा जी से सवाल पूछूंगा और पास होने पर उन्हें इनाम में दूंगा अपनी दीदी। हाँ, क्यों नहीं, अभी चलो हमारे साथ। मास्टर जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आप ही की वजह से मेरे बेटे की किस्मत खुल गई। अमित, तुम्हारा होने वाला साला तुमसे मिलने आया। मतलब? हाँ बेटे, मैंने लड़की देख ली और शादी भी पक्की कर ली। और होने वाला साला भी पक्का कर दिया? कच्चा काम तेरा बाप करता ही नहीं। सुन, तेरा होने वाला साला तेरा इंटरव्यू लेना चाहता है। इंटरव्यू? हाँ, गांव का भोला भाला बिल्कुल मासूम बच्चा है, तू जानबूझ कर हार जाना, बेचारा खुश हो जाएगा। मैं तो पहले ही हार चुका हूँ पिताजी। गुड, वेरी गुड। श्रीकांत आया जी। श्रीकांत, जीजा जी। ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं है, ये हमारे खानदान की परंपरा है। वाह,
जीरा जी आप तो बिल्कुल फिल्मी हीरो लगते हैं। मेरी दीदी कितनी नसीब वाली है। आखिर बेटा किसका है? चलो जीकान जो पूछना है पूछ लो। जीरा जी मेरा पहला सवाल, अगर हिमालय ना होता तो क्या होता? ये तो बड़े स्टूपिड सवाल है। अरे वाह वाह क्या इंटेलिजेंट सवाल है, बोलो हमें जवाब दो। ये तो प्राइमरी स्कूल के बच्चे भी जानते हैं कि अगर हिमालय ना होता तो बाहर की सेनाएं हमारे देश पे हमला कर देती। वाह 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 जीरा जी आपका जवाब नहीं है, वेरी स्मार्ट। अब दूसरा सवाल, अगर हिमालय ना होता तो क्या होता? बताइए। क्या? हाँ हाँ बताइए, अगर हिमालय ना होता तो क्या होता? क्या? हाँ हाँ अगर हिमालय ना होता तो क्या होता? ओहो, अगर अगर हिमालय ना होता तो ठंडी हवाएं हमारे देश की फसल को बर्बाद कर देती, जैसे मैं बर्बाद हो रहा हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। अरे जीरा जी आप तो बड़े इंटेलिजेंट हैं, मैं आपको 100 में से 101 नंबर देता हूँ। अब मेरा तीसरा सवाल, ये जरा मुश्किल है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। अगर हिमालय ना होता तो क्या होता? वाह वाह क्या फंसाया श्रीकांत ने। बोलो बेटा कोई जवाब है तुम्हारे पास? मैं हार गया हूँ पिताजी, आपसे भी और आपके होने वाली बहू के छोटे भाई से भी। मैं नहीं जानता नहीं जानता नहीं जानता। तो मैं बताता हूँ, अगर हिमालय ना होता तो तेन रिंग किस पे चढ़ता? अभी क्या बात है, तुम बार बार आँख क्यों मार रहे हो? ये क्या मिस्ट्री है? मिस्ट्री नहीं अपशगुन है। कहते हैं कि जब एक आँख फड़फड़ाती है तो अशुभ होता है, मेरी तो दोनों आँखें फड़फड़ा रही हैं। तुम्हें कंजंक्टिवाइटिस हो रही है, सारे शहर में आँख की बीमारी फैली है। चलो चलो मैं आई ड्रॉप डाल देता हूँ। नहीं 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 आई ड्रॉप सब अपनी आँखों में डाल लीजिए, क्योंकि जिस तरह सब चल रहा है ना, हिमालय ना होता तो क्या होता, अगर आप अपनी आंखों में दवा डाल लेंगे तो मेरी आंखें अपने आप ठीक हो जाएंगी। बेटे मैं तो नजर की बात कर रहा हूँ, तुम नजरिए की बात कर रहे हो। चलो शिका खाना खा लो चलिए। वाह चाची जी वाह, इतना बढ़िया करारे मैंने लाइफ में कभी नहीं खाया, मजा आया। देखा देखा श्रीकांत की पसंद मेरी पसंद से कितनी मिलती है। चाची जी एक बात तो बताइए, शादी के बाद दीदी भी जीरा जी के साथ लंदन जाएगी ना? अरे ये भी कोई पूछने की बात है, शादी के बाद बहू और बेटे को हम हमेशा साथ साथ रखें। अरे श्रीकांत के लिए रसगुल्ले लाओ, मैंने फ्रिज में रख दी। महाराज। महाराज क्या, खुद जाकर लाओ ना। महाराज लाइए ना लाइए ना रसगुल्ले लाइए। सुनो बेटे तुमसे एक बात पूछनी है। ये पूछिए। सुना है गांव के लोग अपने आंगन में सोना गाड़ कर रख देते हैं। जी हाँ चाचा जी ये बात सच है, मैंने भी कई बार सुना है। तो ये बताओ दीदी की शादी में। सुनिए फ्रिज में रसगुल्ले कहाँ है? वो तो मेरे कमरे में भूल ही गया था, मेरे ब्रीफ केस में। ब्रीफ केस में? हाँ हाँ जल्दी जाकर ले आओ। चाचा जी आप कुछ पूछ रहे थे? नहीं पूछ नहीं रहा था, मैं कह रहा था शादी ब्याह है कोई वक्त नहीं, तो अपने आंगन में गड़े हुए सोने का कितना हिस्सा तुम अपनी बहन को दोगे? जी कम से कम 20 तोले सोना तो दोगे ही ना? जी हाँ 20 तोले तो दूंगा ही, वो क्या है कि इतना तो देना ही पड़ेगा, मतलब जो देना है वो तो देना ही है, समझ लीजिए कि बस दे दिया। दे दिया मैं भी आता हूँ। रसगुल्ले नहीं खाओगे? जी नहीं पेट भर गया। क्यों जी फिर कोई नया मजाक किया है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, पर एक नया मजाक की शुरुआत जरूर की है। अब मैं क्या करूं, दीदी की जिंदगी का सवाल है, लेकिन 20 तोला सोना? श्रीकांत तुम्हें इस दुविधा का सामना करना ही होगा, दीदी की शादी होगी होगी और जरूर होगी। सुनो लक्ष्मी अगर मजाक ना हो तो जिंदगी का नमक कम हो जाता है। मजाक हंसी खुशी इससे सेहत और उम्र भी अच्छी रहती है, इसीलिए हम दोनों की हेल्थ इतनी अच्छी है। आओ श्रीकांत। बात तो पक्की है ना? जी कौन सी बात? 20 तोले सोने वाली बात। जी जी वो तो उसी वक्त पक्की होगी जब आपने कहा तो। मिला हाथ
हाथ तो मिलाओ। श्रीकांत, ये साड़ी माधुरी को देना और कहना ये साड़ी नहीं हमारा प्यार है। बस अब तो हमें उस शुभ घड़ी का इंतजार है जब माधुरी के सिंदूर की चांदनी हमारे घर आंगन में चमकी। चोरी करे चोरा।
साहब। थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते भाभी जी, मेरी ओर से एक छोटी सी भेंट। थैंक यू। मेरे ग्लास से देखो और खुद ही कसौटी में परख लो, बिल्कुल 100% प्योर गोल्ड है। भाई तुम ज्वेलर हो, तुम्हारे पास प्योर नहीं होगा तो और किसके पास होगा है? यार भाभी को देख के ही मैंने अंदाजा लगा लिया कि इस बार तुमने इतने जल्दी हाँ कैसे कर दी। बात बताऊं, मेरी समझ में ये नहीं आता कि इसने मुझे कैसे पसंद कर लिया। हाँ गाँव निर्मल गाँव, और वहाँ है सोने जैसी खूबसूरत लड़की जो हमारी बहू बनी। हाँ अमित, देखता हूँ साले हरीश को कितना खुश नजर आ रहा है। सच यार, जो शादी नहीं करता जिंदगी भर पछताता है, और जो शादी करता वो और भी पछताता। क्या बात कर रहे हैं यार? मैं तो अभी से पछता रहा। क्यों भाई? लेकिन क्या करें, एक मासूम मेमना खूंखार शेर के सामने कैसे खड़ा। क्या बात है अमित, तू सुखी नहीं लग रहा यार। कैसे लगूंगा यार, गाँव की गोरी से शादी हो रही है। गाँव की गोरी, विलेज गर्ल। अब तू ही बता, इतने खूबसूरत माहौल में गांव की गवर्न को लाकर मैं क्या करूंगा। तो फिर ना कर दे यार, ऐसी भी क्या बात है। ना कर दूं मैं अपने बाप को, ना कर दूं। अरे तू मेरे बाप को नहीं जानता है, हाथी की तरह खड़ा होता है, उल्लू की तरह देखता है और शेर की तरह गरजता है, समझा। अमित ये शराब है ना, बड़ी जोशीली चीज है, इसके सामने हाथी घोड़ा शेर सब चूहे बन जाते हैं। इसीलिए तो कहता हूँ दो पैग और मार और कर दे अपने बाप पर वार। क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं, पिस्तौल है और इसमें 6 गोलियां हैं जो आज फैसला करेगी। क्या बकवास कर रहा है, ये खिलौना किस कबाड़ी के यहाँ से उठा ला है? कबाड़ी तो आप हैं जो गांव का कूड़ा कचरा मेरे सर थोप रहे हैं। क्या तूने मुझे कबाड़ी कहा? इतनी बड़ी गाली तेरे दादाजी ने भी मुझे कभी नहीं दी। मेरे स्वर्गीय दादाजी के इकलौते, अब तुम भी स्वर्गीय होने की तैयारी कर लो। क्या तू मुझे जान से मारेगा? इस खिलौने से मारूंगा एक थप्पड़। ये खिलौना नहीं है, असली पिस्तौल है। और ये आखिरी गोली अमित के बाप के नाम, अगर ये शादी हुई तो चलाते गोली। तेरी शादी वहीं होगी। नहीं होगी। हाँ होगी। नहीं होगी। हाँ होगी। नहीं होगी। नहीं होगी। अमित ये क्या किया तुमने, ये क्या अनर्थ हो गया? अमित ये क्या किया तुमने? वही जो बहुत पहले करना चाहिए था। लक्ष्मी मेरी आखिरी इच्छा नोट कर लो, ये शादी होगी, जरूर होगी। अगर मेरी आखिरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो मैं भूत बनकर इस नालायक को जिंदगी भर सताता रहूंगा। नहीं नहीं ऐसा न कहिए, आपको कुछ नहीं होगा। अच्छा लक्ष्मी तो हम चलते हैं। भूल चूक लेनी देनी, एक ही दुख रह गया, मैं अपने बेटी की बारात नहीं देख पाऊंगा। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, मेरी शादी तो होगी, जरूर होगी। श्रीकांत, ओ श्रीकांत, ले आए मास्टर जी। तू यहां बैठा है और मैं तुझे सारे गांव में ढूंढ आया। वाह बिल्कुल असली लग रहे हैं।
है ना मासी जी? अरे बेटे, आदमी का बस चले तो नकली जेवर तो क्या, आदमी भी नकली बना डाले। अच्छा बेटे ये बताओ, तुम लोग कौन सा ड्रामा खेल रहे हो इस दुर्गा पूजा में? सत्यवान सावित्री, ये जेवर पहनकर सावित्री का रोल मैं खुद करूंगा मास्टर जी। अरे बेटे, माधुरी की शादी की सारी तैयारियां हो चुकी है ना, और देखो अगर मेरी मदद की जरूरत पड़े तो कोई संकोच मत करना। मास्टर जी, जो मदद आपने किया उससे बढ़कर और क्या चाहिए, अब तो भगवान की मदद की जरूरत है। चलता हूं। शादी के पहले दूल्हा देखना बहुत शुभ होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कन्या को बुलाइए, फेरे का समय हो गया। देख, वो देख। बंद करिए फूलों की बारिश, ये शादी नहीं हो सकती। अरे क्या बक रहे हो, ये शादी हो चुकी है। नहीं पिताजी, ये शादी नहीं, ये एक मजाक है, एक नाटक है। अमित होश में आओ, क्या बकवास कर रहे हो? 7 फेरे हो जाने के बाद? पिताजी 107 फेरे भी हो जाते तब भी ये शादी शादी नहीं होती। क्यों क्यों नहीं होती? पिताजी आप कहते हैं कि गाँव की लड़कियाँ पवित्र होती है बिल्कुल सोने की तरह, तो पूछिए गवारन से कि ये सोना नकली क्यों है। पिताजी आप जिंदगी भर गांव वालों की आरती उतारते रहे, आज खुद अपनी आंखों से देख लीजिए कि आपके भोलेपन को इन नकली लोगों ने कितना सही पहचाना है। जब ये सोना ही नकली है तो ये दुल्हन भी नकली होगी। सच पूछिए पिताजी, ये साज सजावट, ये माँ, ये भाई, मुझे सब नकली लग रहे हैं, खास तौर से ये भाई। शिखा, क्या ये सेवर नकली? अमित बेटे, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। अरे मैं मजाक में श्रीकांत से 20 तोले सोना मांगा था। मजाक में दिए हुए जेवर नकली ही होते हैं, असली नहीं। मजाक करना तो आपका पेशा है पिताजी, और आज इसी चक्कर में मेरी जिंदगी को जिंदा मजाक बना रहे थे। लेकिन अब और नहीं, अगर आपको ये झूठे और गंदे लोग पसंद हैं तो आप ही निकले लगा लीजिए, बिठा लीजिए सर आंखों पर, कर लीजिए विदा इस नकली दुल्हन को। आप जो चाहे वो कीजिए, मैं चला। चाची जी हमें बर्बाद होने से बचा लीजिए। बचाने वाला तो भगवान है बेटा, पर मुझसे भी
बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तो मालूम नहीं था कि छोटी छोटी मजाक बड़े बड़े रंग खिला सकती है। छोटी सी चिंगारी इतनी बड़ी आग लगा देती है। देखिए, मेरे बेटे का खून गर्म है, ठंडा होने में समय लगेगा। लेकिन आप चिंता ना कीजिए बहन जी, मैं बहुत जल्दी ही गाजे बाजे के साथ अपनी बहू को विदा करके ले जाऊंगा, ये मेरा वादा रहा। नमस्ते बहन जी। थैंक यू इंदर, आज तुमने दोस्ती की लाज रख ली, ऐन मौके पर मुझे बर्बाद होने से बचा लिया। वो सब तो ठीक है यार, मगर मुझे तेरे डैडी भी बहुत गुस्सा आ रहा है, जो बगैर जवान बेटे के राय लिए हर फैसला खुद करते हैं। आइंदे से अपना फैसला खुद किया करूंगा। भाई होकर अपनी बहन का जीवन बर्बाद कर दिया। मारो माँ, मारो मारो मुझे, मैं माफी हूँ, मैंने अपनी बहन की खुशियों में आग लगाई। माँ, श्रीकांत को मारने से पहले इतना तो सोच लो कि एक भाई ने जो कुछ भी किया अपनी बहन की भलाई के लिए किया, इसके भोलेपन को माफ कर दो माँ। अब रोने से और अफसोस करने से कोई फायदा नहीं। जो बात नकली जेवरों से शुरू हुई वो नकली चेहरों पर आकर खत्म हो गई। तुम फिक्र मत करो माँ, अगर मेरी मांग में ताकत है तो सारे असली नकली बंधन को तोड़कर एक दिन मेरा सिंदूर खुद ब खुद आकर मेरी मांग में लग जाएगा। लेडीज आ गई, मैं अब भी आता हूँ, अब भी आता हूँ। यस, हाँ, दिस इज द इंटरव्यू गर्ल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम कुमार चटर्जी है, मैं इस कंपनी का कर्ता धर्ता होल एंड सोल हूँ। मेरी इजाजत के बगैर इस कंपनी के नल में पानी तक नहीं आता, इसलिए आप लोग सब अपना अता पता हिस्ट्री ज्योग्राफी मुझे बता दीजिए प्लीज। मेरा नाम मंजू चौधरी है, पता जरीवाला बंगलो, फर्स्ट फ्लोर, वकोला ब्रिज, सांता क्रूज। और जी, मेरा नाम है। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, आप भी क्या व्यू करवाने आई है? मेरा मतलब इंटरव्यू के लिए आई है? जी हाँ। तो प्लीज सिट डाउन, यहाँ बैठिए ना। यहाँ आप मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे सकती हैं? कॉन्टेक्ट नंबर क्यों नहीं, वो क्या कि इमरजेंसी के टाइम पे कभी कॉन्टेक्ट की जरूरत पड़ जाती है ना। पहले नौकरी तो मिलने दीजिए, फिर कॉन्टेक्ट की बात होगी। यस, नौकरी तो आपको मिल गई समझिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये साहब कौन है? हमारे बॉस, यही तो लेंगे सबका व्यू, आई मीन इंटरव्यू। ओह, आई सी।
हेलो, मैं भगत बोल रहा हूँ। हाँ भगत साहब बोलिए। सुनो, ऐसा है कि ऑफिस की सेक्रेटरी के लिए हमने मिनिस्टर साहब की भांजी का सिलेक्शन कर लिया है, वो मंडे को ऑफिस ज्वाइन कर लेगी। लेकिन सर, वो इंटरव्यू के लिए मैंने काफी लड़कियाँ बुलाई हैं, उनसे क्या कहूँगा? अमित, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करूँ। ये मिनिस्टर साहब की भांजी का सवाल है, अब क्या करूँ? ओके सर। हेलो, जरा कुमार को अंदर भेजना। टप टप करना बंद कर देती है, और जब भी मैं ये क्या है, आपको बड़े साहब ने अंदर बुलाया है। देखा, मेरे बगैर तो इस ऑफिस में कुछ हो ही नहीं सकता। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आता हूँ। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ, वो इंटरव्यू कैंसिल कर दो। समझ गए सर, हमारे एमडी साहब का टेलीफोन आ गया होगा। जी हाँ, जानता हूँ आप बहुत बड़े जोशी हैं। आप जाइए और ढंग से इंटरव्यू कैंसिल कीजिए, और देखिए किसी को बुरा ना लगे। आप फिक्र मत कीजिए सर, इसके पहले तो मैं कितने इंटरव्यूज कैंसिल कर चुका हूँ। ओह नो नो, सेवियो, एक बहुत बुरी खबर है। अभी अभी हमारे बॉस अमित कुमार जी को उनके डॉक्टर का टेलीफोन आया, और जिस बात का उन्हें डर था वो सही निकला। क्या हुआ उन्हें सर? उन्हें पाइल्स का कैंसर हो गया। अरे राम, देखिए भगवान की भी क्या लीला है। अमित साहब का लंबा लंबा कद, गोरा गोरा रंग, नीली नीली आंखें, और तो भी उन्हें कैंसर हो गया, और वो भी पाइल्स का। प्लीज हमारी दुआएं दीजिएगा उन्हें, पाइल्स कैंसर छूट की बीमारी है। चलो गर्ल्स। मैडम आप गई नहीं? जी नहीं, क्योंकि मैं आपको हॉस्पिटल ले जाना चाहती हूँ। मुझे यकीन है कि कैंसर की बीमारी आपके बॉस को नहीं बल्कि आपको है। मान गया मैडम आपको, आप भी बड़ी शानदार चीज हैं और मैं भी बड़ी ऊंची चीज हूँ, इसलिए अंदर वाले ने जो चीज पैदा की है मैं आपको बता देता हूँ। हमारे बॉस को ऊपर वाले किसी चीज का टेलीफोन आया कि उसकी नाजुक सी चीज को नौकरी दी जाए, इसलिए बीमारी का ड्रामा करना पड़ा। लेकिन आप भी बेमिसाल चीज है, इसलिए इस नाचीज को मौका मिलते ही मैं आपको फिट करवा दूंगा। आप भी बड़े दिलचस्प चीज है। रियली थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। यस, सर मेरा नाम मालती चौधरी है, मैं यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आई थी, लेकिन आपके असिस्टेंट ने बताया कि आपको अचानक कैंसर हो गया। क्या 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 कैंसर? मुझे? बड़ा झूठा आदमी है कुमार। जी हाँ, सारी लड़कियां आपको सेहत की दुआ देकर चली गई, सिर्फ मैं रह गई ये जानने के लिए कि आपको किस टाइप का कैंसर हुआ है। घूस का कैंसर, किसी रिश्तेदार को लगाने का कैंसर, या सिफारिश का कैंसर? एग्जैक्टली किस टाइप का कैंसर हुआ है? देखिए आप झूठ मूठ का आरोप लगा रही हैं मुझ पर, पूरी प्लीज लीव नाउ। नो आई विल नॉट, मैं इस झूठे इंटरव्यू का पर्दाफाश करके रहूंगी। इस फरेब की कहानी को मैं अखबारों तक ले जाऊंगी ताकि दुनिया वालों को ये मालूम पड़े कि आप जैसे बड़े लोग हम जैसे छोटे लोगों की मजबूरियों का किस तरह फायदा उठाते हैं। कितनी दुख की बात है, मुझे आपको ये बताने का भी मौका नहीं मिला कि मैंने दिन रात मेहनत करके अपनी टाइपिंग स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट कर लिया है। मुझे शॉर्ट हैंड में डिस्टिंक्शन मिला है और मैंने सेक्रेटरियल कोर्स में टॉप किया है, लेकिन मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। गुड डे सर। हेलो कुमार, अभी अभी जो लड़की मेरे केबिन से गई है उसे बाहर ही रोकना, और तुम फौरन अंदर आओ। हेलो, हाँ भगत साहब, अभी अभी एक बहुत ही तूफानी किस्म की लड़की मेरे केबिन में घुसाई, उसने हम सबको अखबारों में घसीने की धमकी दी है। वो मिनिस्टर की भांजी वाली बात काफी बदनामी बन सकती है। जी थैंक यू। यस सर। उस लड़की को अपॉइंटमेंट लेटर दे दो। सर आप बहुत महान चीज है और तुम बहुत ही घटिया चीज हो। अगर आइंदा से तुमने कोई महान झूठ बोला तो फिर देख लेना कि मैं कितनी महान चीज हूँ, समझे? सर आप तो महान चीज है ही, आपने उस लड़की को अपॉइंटमेंट देकर मेरा डिसअपॉइंटमेंट दूर कर दिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू।
कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस मालती चौधरी, आपका हो गया जी। और होता कैसे नहीं, जब हमारी जैसी चीज आपकी फैन हो तो बड़ी बड़ी चीजें छोटी हो जाती, मेरा मतलब है ना चीज हो जाती। मैंने आपके बारे में बॉस को ऐसा लंबा चौड़ा लेक्चर दिया कि वो मेरे पैर पकड़ कर गिड़गिड़ाने लगे, प्लीज प्लीज उसको रख लीजिए। और आपका हो गया, ये लीजिए आपका परमानेंट लेटर, आप थैंक यू वेरी मच। सुनिए एक खास बात और, वैसे तो मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा ही, मेरा मतलब है ऑफिस में साथ काम करेंगे ही, उसके अलावा भी अगर मैं आपकी कोई आर्थिक रूप से मदद कर सकूं या शारीरिक रूप से मदद कर सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी, आपको भी होगी जी। जी हेलो, डोंट डिस्टर्ब मी फॉर नेक्स्ट हाफ एन आवर प्लीज, थैंक यू जी। कैसी हो? अच्छी हूँ। संभाल के, संभाल के आई। क्या हुआ? हुआ क्या? बताओ ना। वही जो हम चाहते थे, मुझे नौकरी मिल गई। क्या? जैसी कंपनी में उनकी प्राइवेट सेक्रेटरी की तुम्हें नौकरी मिल गई? अरे हाँ बाबा। और उन्होंने तुम्हें पहचाना तक नहीं? नहीं श्रीकांत, उनकी आंखों पे लगा हुआ काला चश्मा भी तक उतरा नहीं। दीदी ये सब मेरी वजह से हुआ है ना, अगर मैंने उस दिन इतनी बड़ी बेवकूफी ना की होती तो आज तुम अपने ससुराल में आराम से जीरा जी के साथ चैन की जिंदगी बसर कर रही होती। श्रीकांत बंद करो ये रोना धोना, तुमने जो कुछ भी किया अपनी बहन की भलाई के लिए किया। सुनो, इस वक्त मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी का ये नाटक बुरा नहीं हो सकता, मेरी मदद करोगी ना? दीदी तुम्हारे लिए अगर मैं अपनी जान भी दे दूं ना तो कम है। भगवान ने चाहा तो ये नौबत कभी नहीं आएगी। चलो देखो देखो माधुरी जा रही है, कुछ देखा तुमने? बंबई की हवा लग गई है माधुरी को, ऊंची एड़ी की सैंडल, लटक मटक चाल। और चाची जरा गौर से देखो, माधुरी ने तो मांग से सिंदूर भी हटा दिया है। अरे बहना, बंबई में ना तो सिंदूर की कमी है ना सिंदूर लगाने वाली। नखरे तो देखो बड़े आए, बंबई की चिड़िया। ले बेटी, ऐसे क्या देख रही हो माँ? कुछ नहीं माँ, मैं जानती हूँ मेरी वजह से तुम्हें बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। माधुरी तो गांव से जाकर कहाँ तक चली गई है, बंबई पहुंचकर तूने अपनी मां का सिंदूर भी हटा दिया। मां, जो सिंदूर मेरी मांग तक आकर लौट गया हो वो सिंदूर लगाने से फायदा है क्या? अगर मेरी मांग में शक्ति है, मुझ में शक्ति है, तो मेरा सिंदूर खुद बखुद आकर मेरी मांग में लग जाएगा। मां, जिस ऑफिस में तुम्हारी बेटी को नौकरी मिली है ना, उसकी बॉस तुम्हारे दामाद है। अच्छा, उसने तुझे पहचाना भी नहीं? नहीं माँ, अभी सिर्फ जान गए हैं, धीरे धीरे पहचान भी जाएंगे। बस तुम्हारा आशीर्वाद मेरे साथ है। माँ तुम भक्तों से खुश हो सकती हो, नाराज हो सकती हो, इसी तरह तुम्हारे भक्तों का भी अधिकार है तुमसे खुश होने का, नाराज होने का। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, आखिर तुमने ये जुर्म क्यों किया हम पर? मेरे बेटे की शादी हो गई लेकिन बहू घर नहीं आई, मैं तब तक तुम्हारी पूजा नहीं करूंगी जब तक माधुरी इस घर की बहू बनकर नहीं आएगी। माधुरी
मॉर्निंग सर। आओ आओ। तुमने प्रेम या इश्क क्या किया भी है कभी? मुझे तो खुशबूदार फूल चाहिए और तुम बदबूदार फूल लाई हो। और ज्यादा खुशबूदार चाहिए? हाँ। और ज्यादा ले आऊंगी, लेकिन तुम बोलो ना। हाँ। नहीं, तुम बाहर जाकर फॉरवर्ड बैकवर्ड कर लो। क्या? मेरा मतलब है इनवर्ड आउटवर्ड कर लो। हमेशा इनवर्ड आउटवर्ड, क्या मुसीबत है। सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मॉर्निंग बॉबी। हाय अंकल। तुमको कितनी बार कहा है कि मुझे अंकल अंकल मत बुलाया करो। अंकल को अंकल नहीं बोलूंगी तो और क्या बोलूंगी अंकल। देखो तुम ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, नहीं तो मैं तुम्हारा बैलेंस शीट लॉस में बदल दूंगा। और अगर तुमको अंकल बुलाने की इतनी ख्वाहिश है तो अपने प्यारे एंथनी को अंकल बुलाओ। मॉर्निंग सर, 2:35 नोला। गुड। क्या बोला वो? अरे मैन, तुमको अंकल बोलने के लिए बोलता है। इडियट। मिस मालती, मैं हर रोज तुम्हारे लिए बाजू के बगीचे से उनके कुत्तों से बचकर ये फूल चोरी करके लाता हूँ। अच्छा है ना? लेकिन अफसोस, फूलों की सिल्वर जुबिली हो गई लेकिन मैं तुम्हारा दिल जीत न पाया। हाँ, मैं इस पे इसलिए स्प्रे करता हूँ कि इसकी खुशबू कम न हो, लेकिन अफसोस इस फूल की खुशबू जिसमें मेरे प्यार की खुशबू समाई है आपके सुंदर नाक तक पहुंचती नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मिस्टर कुमार, हाउ आर यू? फाइन थैंक यू। वाह, फूल तो बहुत अच्छा है ना? कौन लाया? मैं लाई हूँ। कितनी अजीब बात है ना, इस गुलाब के फूल में से रोज अजीब अजीब खुशबू आती है, कभी ब्रूट, कभी सेक्स अपील, कभी चाली, आज इसमें से हिना की खुशबू आ रही है, देखिए ना। जी हाँ, आज तो हिना ही होगी। मुझे फूल बहुत पसंद है, मेरी माँ को भी फूल बहुत पसंद है, ऐसे भी मेरी माँ आपसे मिलना चाहती है। क्यों ना आप नेक्स्ट संडे मेरे घर पे खाने पे आए, लेकिन ये बात बॉस को मत बताइएगा। बॉस वैसे तो अच्छा आदमी है लेकिन थोड़ा सा डल है, अनरोमांटिक है, ये खुशबू की बात वो समझेंगे नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एक बहुत ही जरूरी मीटिंग पे जाना है। जाइए सर। आप भी चलिए। चलिए। सिट डाउन। सर, मैडम आ रही हैं। मैं कम इन सर। कम इन प्लीज। मैं बाहर जा रहा हूँ, इस फाइल में कुछ पेपर्स पड़े हैं, टाइप कर दीजिएगा। जी। एक और बात, वैसे तो मैं आपके काम से बहुत खुश हूँ लेकिन बेकार की बातों में आप टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। Thank you.
आंटी मैंने आपको देखा नहीं। देखेगी कैसा? तुम तो ये फोटो देखता था, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? आंटी है तो बॉय, लेकिन अभी फ्रेंड बना नहीं, मेरे बॉस है। तब तो तुम्हारा काम आसान है। सुनो बेटी, मर्द ज्यादातर लापरवाह होते हैं। अगर कोई दंग से उनकी परवाह करे, उन्हें संभाल ले, तो वो दोस्त क्या तुम्हारा हस्बैंड भी बन सकता है, हाँ? वैसे भी तुम जैसी खूबसूरत लड़की को कोई बिल्कुल अच्छा नसीब वाला ही पा सकता है। अरे हाँ आंटी, ये लीजिए इस महीने का किराया। थैंक यू डियर। देखो बेटी, तुम बिल्कुल ही फिक्र मत करना, हाँ? ये तेरा बॉस एक दिन तुम्हारा गुलामी बन कर रहेगा, हाँ, समझी? हेलो आंटी। हेलो बेटा, चाय पियोगे? ओह यस। ओके। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं खुदा के ले जाऊंगा। ये लो दीदी रुमाल, अपनी छठी पगार में से पूरे 6 लेकर आया। थैंक यू श्रीकांत। लेकिन एक बात तो बताओ दीदी, तुम हमेशा मुझे डांटती रहती हो कि मैं बहुत ही केयरलेस हूँ, उलटकड़ हूँ, अपनी चीजों का ख्याल नहीं रखता। अच्छा बाय द वे, आज आपने अपना रुमाल कहाँ खो दिया? सर, आपने मुझे बुलाया? जी हाँ, मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ, बैठिए ना। आपको डिक्टेशन देना हो तो मैं अपनी कॉपी ले आऊँ? नो नो, नो डिक्टेशन, सिट डाउन प्लीज। थैंक यू सर। आपने कभी लापरवाह नहीं देखा है? जी जी हाँ, देख रही हूँ। मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है कि ये लापरवाही कब छूटेगी। देखिए ना, जैसे मेरे कैबिन को आपने अपना कैबिन समझकर एकदम नीट एंड क्लीन एंड अप टू डेट कर दिया। थैंक यू फॉर दिस। दैट्स ओके सर, लेकिन सर ज्यादा लापरवाही से आपको नुकसान हो सकता है। देखिए ना, आपकी लापरवाही से कोई कीमती चीज गुम हो गई तो कितना बुरा होगा। आपके कैबिन बहुत ही बुरी हालत में थे, स्पेशली आपकी फाइल सर, ये तो मुझे पहले दिन से याद था। याद आपको कितना भी हो, लेकिन याददाश्त आपकी भी बहुत कमजोर है जी। आप भी कुछ भूल गई हैं। क्या आपको याद आ गया? कमाल है, जो चीज मेरे पास हो वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। आप इस तरह क्या देख रही हैं मुझे? मैं आपके रुमाल की बात कर रहा हूँ जो आप यहाँ भूल गई थी, ये लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। सुनिए जी, सुना है इस बार आप बैडमिंटन मैच में हिस्सा ले रही हैं, क्यों ना हम दोनों का मैच हो जाए? ओह नो सर, आई एम वेरी बैड एट बैडमिंटन, मैं हमेशा मैच जीरो पर हारती हूँ, और आप ठहरे चैंपियन। मैं चैंपियन हूँ ये आपको किसने बताया? सर ऑफिस में सबको मालूम है। वो तो ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि जीरो चैंपियन हो जाए और चैंपियन जीरो हो जाए। मजा तो खेल का है, आपको ये मैच खेलना होगा। ओके सर, समझ लीजिए मैं भी खेल ही रही हूँ। गुड मॉर्निंग सर। अरे तुम यहाँ कैसे? कमाल है, मैं भी आपसे यही पूछने वाला था, आप यहाँ क्या किसी से मैच करने आए हैं? अबे इडियट, मैच करने नहीं, मैच खेलने आया हूँ। देखिए ना सर, मैं कितना वफादार नौकर हूँ, बैडमिंटन का ड्रेस पहनकर मैं आपका गुडमिंटन देखने चला आया। गुडमिंटन क्या मतलब? देखिए ना, आप जैसे सुपर प्लेयर जब बैडमिंटन खेलते हैं तो गुडमिंटन बन जाता। आइए आइए मिस मालती, लीजिए शटल कॉक भी आ गई। शुरू हो जाइए सर, शुरू हो जाइए। वेलकम वेलकम। हेलो मिस्टर कुमार, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो सिर्फ खुशबू सूंघने आया था, लेकिन आप आई हैं तो बाहर आ गई, समझिए। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, शुरू करेंगे। आपकी क्या राय है मिस्टर कुमार, हम लोग शुरू हो जाएं? आप इससे क्या पूछ रही हैं? तो
हाँ बेरेफ्री, आप दोनों शुरू हो जाइए। यस यस, वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड। मौसम भी है, माहौल भी है, चांस है। आप दोनों अपने अपनी पोजीशन ले लीजिए प्लीज। लेफ्ट कोर्ट, राइट कोर्ट। ये यहाँ कैसे आ? मुझे क्या मालूम, इडियट। सर सेवा कौन करेगा? सेवा, सेवा, सर्विस। लेडीज फर्स्ट। हाँ दैट्स अ गुड आइडिया। चलिए चलिए, स्टार्ट सर्विस। वेल डन, वेल डन। Congratulations, congratulations to the winner. Oops. Sir, आप तो प्यार का खेल याने लोगे में हार गए? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, ये तो चैंपियन है। दरअसल हमारा दिल रखने के लिए हार गए। ओ यानी आप दिल रखते हैं, हम तो दिल फेंकते हैं, क्यों मिस रॉक? करेक्ट। चलिए आप कायदे के मुताबिक हमारा दिल रखिए और हमें चाइनीज खिलाइए। हाँ ये आइडिया बहुत अच्छा, चलो चलते। लेकिन सर आप तो चाइनीज खाते नहीं, आपको एलर्जी। अच्छा, थैंक यू फॉर द गेम। चलो सर ये रखिए, इसे खेलिए। अच्छा हुआ मैडम आपने मुझे बुला लिया, आजकल तो बैडमिंटन के बहाने बड़े रेप शेप होते हैं। परसों एक 60 साल की औरत को Yes, sir. मेरे केबिन में ये गोभी का फूल क्यों रखा है? रोज तो वो गुलाब का फूल उधर चला जाता है, आज ये गोभी का फूल लाई हूँ, आप खुद भी खाइए और उन्हें भी खिलाइए। अगर मुझे उनको वेजिटेबल देनी है तो मैं गोभी का फूल क्यों दूंगा? गाजर दूंगा, केले दूंगा, मूली दूंगा, लौकी दूंगा। जो देना है दो, मुझे क्या। न जाने कहां से चले आते हैं, अंदर आओ। 3449 सर। मैंने पूछा तुमसे स्कोर, जाओ मेरे लिए फूल लेके आओ। कौन सा फाइल सर? फाइल नहीं, फूल, गुलाब का फूल। गुलाब का फूल? कौन सा रंग सर? लाल रंग का, तुम्हारे गालों जैसा। तेरा रंग तो काला है, मेरे गालों जैसा। ला ये लो 5 रुपए, क्विक। ओके सर। आज मैं उसे अपना फूल दूंगा। आइए मिस्टर कुमार, आज के फूल में कौन सी खुशबू है? मैं तो आज पहली बार लाया हूँ। देखिए आप मेरे लिए रोज फूल लाते हैं ना, ये बात आप मान क्यों नहीं लेते? मैंने कौन सा मना किया है? जी मैं रोज ही ले आता हूँ, आपको फूल अच्छे लगते हैं ना? हाँ बहुत अच्छा। आप इतने खूबसूरत फूल कहाँ से लाते हैं? चोरी करके। ऐसा बोलिए ना। क्यों, कोई सुन लेगा तो? मैं किसी से नहीं डरता। लेकिन मैं तो डरती हूँ। किससे? बॉस से। बॉस से? बॉस से? आप एक काम कीजिए, ये जो फूल है ना ये मेरे बालों में लगा दीजिए और अपने कैबिन में वापस चले जाइए। थैंक यू। इसके बाद तुम मुझे कब मिलोगी? रात में। रात में? कहाँ? सपनों में। सपनों में? सपनों में? बहुत ही अच्छी जगह चुनी है तुमने, वहाँ पे ये रावण बॉस भी नहीं होगा और मोटी फुल्की भी नहीं होगी, सिर्फ तुम और मैं। मे आई कम इन सर? कम इन। बैठिए मिस्टर कुमार। थैंक यू। मुझे आपसे कुछ जरूरी सवाल पूछना है। सर मुझे तो कंपनी में 10 साल हो गए काम करते हुए, क्या आप फिर से मेरा इंटरव्यू लेंगे? जी हाँ ऐसा ही कुछ समझिए। आप बता सकते हैं
कि हिंदुस्तान भर में हमारे कितने ब्रांचेस हैं? 22-23 हम लोग एक नया ब्रांच खोल रहे हैं निकोबार आइलैंड में। ओ निकोबार आइलैंड यानी अंडमान निकोबार आइलैंड। बधाई हो बधाई हो। जब से आपने सिस्टम कम्युनिकेशन ज्वाइन किया कंपनी तो बस बढ़ती जा रही। थैंक यू, आपको भी बधाई हो। बधाई बधाई। मुझे क्यों सर? क्योंकि आपका भी प्रमोशन हो रहा है। प्रमोशन मेरा सर? थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑल राइट। जहाँ नया ब्रांच खोल रहे हैं ना जी, वहाँ पर आपको मैनेजर की पोस्ट दी जा रही है। थैंक यू सो मच सर। नई ब्रांच निकोबार ब्रांच में सर, यानी कि मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। वहाँ पर क्या है कि एक रिस्पॉन्सिबल आदमी की जरूरत है और आप जैसे रिस्पॉन्सिबल आदमी इस ऑफिस में और कौन है? सर आपको गलतफहमी हो रही है सर, मैं बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ। अरे किसने कहा? हमारे ऑफिस का समय 10 बजे का है। पहले आप 11-11:30 बजे तक आया करते थे और आजकल 9:30 बजे आ जाते हैं, वो भी गुलाब का फूल लेकर। आपने तो हमारे सिस्टम कम्युनिकेशन में एक नया कम्युनिकेशन सिस्टम शुरू किया है ना? लेकिन सर निकोबार आइलैंड तो बहुत दूर है सर। कोई बात नहीं, आपको तैर के नहीं जाना होगा, बाय प्लेन भेज देंगे और वहां पर भी आपको कोई खास मुश्किल नहीं होगी। हाँ गुलाब का फूल नहीं मिलेगा लेकिन लड़कियां मिलेंगी, आदमखोर, कैनिबल, मैन ईटर्स। आप मुझे इस ऑफिस में चपरासी की नौकरी दे दीजिए लेकिन निकोबार मत भेजिए सर। सर मैं बेबहुत मारा जाऊंगा। एक शर्त पर, नो मोर गुलाब का फूल। ओके सर। दिस इज द लास्ट वार्निंग, यू कैन गो नाउ। यस सर, थैंक यू सर। कम इन। मालती देवी। निकोबार। यस सर। बैठिए, डिक्टेशन लीजिए। यस सर। This is with reference to Macmillan and Company. जी। कुमार शीशे के पीछे क्या कर रहा था? जी, वो मेरे बालों में फूल लगा रहे थे सर। फूल? अच्छा। This is in reference to Macmillan and Company. वो तुम्हें लिखा है सर? अच्छा, तो आगे लिखे, वो टैक्सी में आपके साथ बहुत नजदीक बैठा था। जी। दिस इज रेफरेंस टू रेफरेंस टू टू मैकमिलन एंड कंपनी। वो टैक्सी में आपके साथ और क्या क्या कर रहा था? बहुत बातें कर रहा था। हाँ बहुत सारी बातें कर रहे थे, यही कि मैं ये पिंक साड़ी में बहुत अच्छी लगती हूँ। तो ठीक ही तो कह रहा था। जी वो दिस इज इन रेफरेंस टू टू मैकमिलन एंड कंपनी। यस यस। कहाँ तक ले गया आपको टैक्सी में? जी बहुत दूर ले गए। दूर तक? बल्कि वो मुझे अपने घर पर ले जाने वाले थे अपनी माँ से मिलाने के लिए। He's a fraud! उसके माँ बाप कोई नहीं है, सब मर गए। वो भोली भाली लड़कियों को फुसला कर अपने घर ले जाता है। और उसके बाद इंसाफ का तराजू देखा है? जी हाँ। तो वो दो बार ट्वाइस फिर क्या कोर्ट? कोर्ट? इन रेफरेंस टू व्हाट सर? इन रेफरेंस टू मैकमिलन एंड कंपनी। वो तो लिखा है सर। एंड दैट्स ऑल फॉर द डे, यू कैन गो। थैंक यू सर। मिस चौधरी, एक्सक्यूज मी, आपको मेरी एक रिक्वेस्ट माननी पड़ेगी। आज मेरी माँ ने आपके लिए स्पेशल खाना बना के भेजा है। आपकी माँ ने? जी बहुत अच्छा खाना बनाती है, आप खा के देखिए। नहीं ये बात नहीं है, वो क्यों, किसी ने कुछ कहा मेरे बारे में? नहीं नहीं किसी ने कुछ कहा तो नहीं। बस तो जब कुछ कहा नहीं तो आप जरूर खाइएगा, मेरी माँ की तरफ से और मेरी तरफ से ये स्पेशल रिक्वेस्ट है। आई एम सेंडिंग द लेटर। यस जेनी, टेक डाउन दिस लेटर, कम टू द कैबिन इमीडिएटली। क्या खाना पसंद करेंगे आप? जो आप पसंद करेंगे। ये रेस्टोरेंट कैसा लगा आपको? आज आप ही सिलेक्ट की थी। यस सर। वेजिटेबल पुलाव,
एक दम आलू, एक मूली का पराठा और दाल फ्राई। थैंक यू। और सुनो जी, एक करेले की सब्जी भी। करेले की सब्जी? क्या हुआ? नहीं, माइनस करेले की सब्जी आपका और मेरा टेस्ट काफी मिलता है। जानती हैं, जब आपको मैंने पहली बार देखा, कहाँ? वो इंटरव्यू के समय। उस दिन से बार बार एक ही बात मेरे जहन में आ रही है कि मैंने पहले कहीं आपको देखा है। कहाँ? शायद सपने में। ये भी तो हो सकता है कि आपने सचमुच मुझे कहीं देखा है और उसे सपना समझकर भूल गए हो। शायद, लेकिन अब नहीं भूलूंगा। आहा, the food looks good. अरे ये क्या कर रही हैं आप तो लीजिए। पहले आप। बस यही तो खराबी हिंदू औरतों में। अब मेरी माँ को देख लीजिए, पहले दूसरों को सर्व करती हैं और फिर खुद खाती हैं। ये भी कोई बात हुई? और कौन कौन है आपके घर में? बस मैं, मम्मी और डैडी। बस? बस क्यों, और भी कोई होना चाहिए? आपका मतलब मैं समझ गया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, I'm still a bachelor. मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि इतने साल इंग्लैंड में रहने के बाद भी आप पुराने रिवाज को भूले नहीं। पुराना मैं कुछ भी नहीं भूला। हाँ, पुरानी कुछ बातें हैं जो मैं जरूर भूलना चाहता हूँ। देखा आपने क्या? अमित सिटी बजा रहा है। इतनी मीठी आवाज है, इतनी सुरीली आवाज है, इतनी खुशी की आवाज है। अमित पूरे 2 साल के बाद सिटी बजा रहा है। कुछ समझे? नहीं समझा, समझाओ। ओहो, तुम तो बिल्कुल ना समझो। याद है पहले अमित उठते बैठते जागते सोते खाते पीते हमेशा सिटी बजाया करता था, लेकिन शादी के बाद सिटी बजाना ही भूल गया। आज फिर से बजी है, इसका मतलब है आज वो बहुत खुश है। यही मौका है, मैं उसे बहू को विदा कराने की बात करती हूँ। बेटे। जी माँ। आज तुम्हें खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ। इसी खुशी के मौके पर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए। हम माधुरी को विदा करा लाएं? माँ, मैं पिछली जिंदगी भूल चुका हूँ। अगर आपको याद है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। कसूर तो तेरे बाप का भी नहीं है कि पिछली जिंदगी उसे याद है। अगर आपकी याददाश्त अच्छी है तो मैं क्या करूँ। कुछ जी, जब नौजवान 2 साल बाद सिटी बजाए तो समझ लो कोई नई सिटी बजी है। मेरे पास आओ। इतने पास होकर भी शर्मा रही हो? नहीं तो, अगर तुमसे शर्माती तो तुम्हारे पास आती ही। लेकिन ये बात तुम्हारी आंखें नहीं कह रही है। करा कर लीजिए देखो। तुम्हारा हाथ कितना ठंडा है। क्या हुआ? मुंह में मच्छर घुसा है। Thank you.
दुनिया की नजरों से छुप के मिले, दुनिया की नजरों से छुप के मिले, लगता है जब कोई देख नहीं, ए दुनिया की नजरों से छुप के मिले, लगता है जब कोई देख नहीं, थोड़ा थोड़ा डर थोड़ा प्यार का नशा, थोड़ा थोड़ा डर थोड़ा प्यार का नशा, चुड़ी चुड़ी मिलने का और भी मजा, दुनिया की नजरों से छुप के मिले, लगता ही डर कोई देख नहीं। कोई जाने दुनिया की नजरों से छुप के मिली।
लगता है डर कोई देख न ले। मैंने तुम्हें हजार बार कहा है तुम रॉन्ग एंट्री करती हो। सही टोटल है 53987, तुमने कर दिया है 33987। अब देखो ना 20,000 का फर्क पड़ जाता है। गुड मॉर्निंग सर। सर एक्सक्यूज मी सर, आपसे मिलने के लिए कोई आया है। मैंने उससे कहा रिसेप्शन में बैठो, तो उसने कहा नहीं मैं कैबिन में बैठूंगा। कहता है आपका रिश्तेदार है। सर आपको जुकाम हो गया कोई एस्प्रो कोडोफायरिन एनएसी? नो नो थैंक यू। अच्छा हाँ तो मैंने तुमको कहा था कि गुड मॉर्निंग मिस मालती, आपको जुकाम हो गया? जी। कुछ एस्प्रो एनेसिन कोडोफायरिन को? कोई जरूरत नहीं। नहीं। सो? 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 हाँ क्या है? सेवन की गोली लेता। आपने कहा था कि मेरा कोई इंतजार कर रहा है, कहाँ है? वही देख रहा हूँ कि है नहीं। वो हो रहा है। तुम मेरे बाथरूम में क्या कर रहे हो? मैं जा रहा हूं। नमस्ते जीजा जी। जीजा जी अब तो बताइए कि हिमालय ना होता तो क्या होता? मेरा सर होता। बैठने को किसने कहा? खड़े रहो खड़े रहो। अरे अरे आपकी तबीयत खराब है, सर्दी हो गई तो फिर आप चिल्ला क्यों रहे हैं? जीजा जी मैं तो ये पूछने आया था कि आप मेरी दीदी को कब लेने आ रहे हैं। पहले तो अपनी हर बात से जीजा जी निकाल कर फेंक दो। अच्छा जीजा जी फिर से। जीजा जी देखिए मैं कितनी उम्मीद से आपके पास आया था, सोचा था आपके पास आऊंगा बैठूंगा ढेर सारी बातें करूंगा ठंडा पीऊंगा गरम पीऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं जीरा जी अब मैं जाके ये तस्वीर आपके घर वालों को दिखा दूंगा। फाड़ी मत नेगेटिव मेरे पास है। तुम क्या समझते हो तुम इस फोटोग्राफ से मुझे ब्लैकमेल कर सकते हो? जाओ मेरे घर वालों को दिखाओ, मैं डरता नहीं हूँ। अभी तो मैं चला जाऊंगा लेकिन याद रखिए जीरा जी आपका पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। वो बाथरूम है उधर। सारी मिस चौधरी एक जबरदस्त खबर है। अच्छा क्या है? वक्त आने पे बताऊंगा। लेकिन किसके बारे में? हमारे डायरेक्टर मिस्टर अमित चौधरी के बारे में। लेकिन वक्त आने पे बताऊंगा। ये वक्त आने पे बताऊंगा। ठीक क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं है? बुखार सा लग रहा है ना? आपको तो बहुत तेज बुखार है। चलिए। यस मैडम। ये बैग ले जाना। जी। घर से कर आराम कीजिए। लेकिन ये सब काम कौन करेगा? मैं करूंगी ना। ठीक है अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे घर में फोन कर देना। चलो श्रीकांत ये लड़की कौन है? यही तो मैं आपसे पूछने आया हूँ, कहीं आपने जीरा जी की दूसरी शादी तो नहीं कर दी? क्या मतलब? मतलब ये कि ये लड़की मेरे जीरा जी के साथ ऐसे लिपट छिपट रही थी जैसे कि असली बीवी हो। क्या कह रहे हो तुम? चाची जी समुंदर में दोनों तोता मैना की तरह फुदक फुदक कर गाना गा रहे थे और मुखड़ा था दुनिया की नजरों से छिपके मिले लगता है डर कोई देख न ले। श्रीकांत मेरे बेटे पर लांछन लगाते हुए शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम इतने दिन के बाद आए हो?
मैं ये नहीं पूछूंगा तुम कैसे हो, कब आए हो। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ ये क्या बदतमीजी है। आप पूछेंगे नहीं और मैं आपको बताऊंगा भी नहीं कि फिलहाल मैं बंबई में हूँ। और ये कोई बदतमीजी नहीं है। अपनी तमीज का सबूत देने के लिए मैंने इस बदतमीजी की तस्वीरें खींची है। ये तो मिथ है। जी हाँ, लड़की कौन है? ये धीरज जी की प्राइवेट सेक्रेटरी है, मिस मालती चौधरी। तुम्हें कैसे मालूम? मैं धीरज जी के ऑफिस गया था मगर उन्होंने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। भगवान, तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर दिया? जी हाँ, और बिना झक्के मारे ऑफिस से बाहर निकाल दिया। ये मजा। चलो अच्छा हुआ उसने धक्के नहीं मारे, वरना मैं उसे धक्के मार के घर से निकाल देता। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। अच्छा बताओ हमारी बहू रानी कैसी है? अब आपको क्या होता, दीदा जी जी साल में छोड़ के गए थे, बिल्कुल वैसी है। बाल बिखरे रहते हैं, गाल सूखे रहते हैं, आंखें पटी पटी, एक तंदूर की टिपिया लिए सारे गांव में घूमती रहती है। और कैसी रहती है वो मुझे छोड़कर क्यों चले गए? वो आएंगे ना, मुझे अपनाएंगे ना? ना 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 ना, रो मत रो मत, अरे रो मत शिकार। वो क्या, उसका बाप भी स्वीकार करेगा। अब वो जो गधे का बच्चा है ना, अमित जिसका नाम है, मैं उसे देखूंगा। उसके प्यार मोहब्बत पर कर्फ्यू ऑर्डर नहीं लगा दिया तो मैं श्रीमती चौधरी का पति नहीं हूँ। जाओ अपनी जासूसी चालू रखो, और अगर उल्टी सीधी कुछ नजर आए तो फौरन मुझे टेलीफोन कर देना। सारा जी, हमारी दीदी की और आपकी बहू रानी की सही आठ बोले से सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। और राजी रानी तो पूरी कोशिश कर रही है कि नहीं आठ हो जाए। अब मैं चलता हूँ। जय जय। चुड़ैल, कमाल है। जब आपकी तबीयत ठीक हुई थी तो आपको ऑफिस आने की क्या जरूरत थी? हाँ ऑफिस नहीं आता डार्लिंग, तो तुमसे मुलाकात कैसे होती? और सुनो, जब तक मैं ऑफिस ना जाऊँ ना, तो तुम्हें भी ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं डार्लिंग। अरे ये कैसे हो सकता है मैं ऑफिस नहीं जाऊँ? कमाल है। तो ठीक है, ऑफिस से मुझे कभी कभी फोन कर लेना डार्लिंग। करोगी ना? करोगी। अब क्या होगा? शादी। क्या? अमित अगर मालती से प्यार करता है तो जरूर उससे शादी करने की कोशिश करेगा। मैं उसे घर से निकाल दूंगा। बेटे के पर निकलने लगे। अमित के दादी इस वक्त? अमित को छोड़ने कोई लड़की आई है, कुछ दिखाई देता है? कैसे दिखाई देगा, मेरा चश्मा कहाँ है मेरे पास? मुझे भी चश्मे के बगैर कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये वही चुड़ैल है। अरे बेटे क्या हो गया? तुम्हें तो तेज बुखार है, चलो जल्दी लेट जाओ। चलो लेट जाओ, लेट। माँ, डॉक्टर को बुला ही लो, तबीयत ज्यादा खराब लग रही है। हाँ बेटे। अमित, वो लड़की कौन थी? वो मेरी सेक्रेटरी थी। वो क्या है कि तबीयत ठीक नहीं ना, तो उसने कहा कि मैं आपको घर छोड़कर आती हूँ। ठीक। तो हमें फोन किया होता, हम चले आते तुम्हें लेने के लिए। नमस्ते साहब, साहब क्या भी? क्यों भी है लाल, लड़की कौन थी? जी वो बोलो कौन थी वो लड़की? मालती नेम साहब, छोटे साहब की प्राइवेट। प्राइवेट? हाँ। प्राइवेट क्या? वो प्राइवेट सेक्रेटरी। सेक्रेटरी? सेक्रेटरी। दोनों गाड़ी में क्या बात कर रहे थे? शर्माओनी बिहारी लाल, बोलो क्या बातें हो रही थी? बाजी मैंने ठीक से सुना नहीं, लेकिन छोटे साहब मालती नेम साहब को दार्जिलिंग दार्जिलिंग कह रहे थे। दार्जिलिंग? हाँ। क्या वो लोग दार्जिलिंग जा रहे हैं? कुछ समझती नहीं, अमित शायद डार्लिंग कह रहा। बिहारी लाल जी,
तुमने अपने आंखों से कुछ देखा है? माँ जी, मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन गाड़ी के शीशे में से देखा। गंगा कसम, हमारे साहब मालती मेम साहब की गोद में लेटे रहे और मालती मेम साहब मीठी मीठी आवाज में खुशफुस खुशफुस कर रही थी और बीच बीच में साहब को बुखार चढ़त रहा, बुखार चढ़त रहा, बुखार चढ़त रहा और हमको हमको शर्म आवत रही। बता क्या हो रहा था? सब बाद में हमारे छोटे साहब ने मेम साहब का मिठिया लिया, मिठिया लिया। मिठिया? हाँ, दो ही बार। हाँ, मिठिया क्या कह रहा है? नहीं समझे? नहीं, तुम्हारे बेटे ने उस लड़की को, उस लड़की की ये हिम्मत? उस लड़की का क्या दोष? चुमा तो तुम्हारे बेटे ने। सवाल ये नहीं, सवाल है वो चूमी क्यों, और सबसे बड़ा सवाल ये है तुमने उल्लू के बच्चे शीशे में से ये देखा क्यों? चलो भी इसी वक्त मुझे दफ्तर ले चल, मैं देखता हूँ दूसरी बार मीठी। ए जी, मालती चौधरी कौन है? मालती चौधरी, मालती चौधरी। ओ मालती, एक्सक्यूज मी सर, आप कौन? आप कौन? मैं कुमार चटर्जी, इस कंपनी का चीफ अकाउंटेंट। चीफ अकाउंटेंट जी, मैं सदानंद चौधरी। सदानंद, सदानंद चौधरी यानी बस के बाबा। नमस्कार, कहिए, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मैं मालती चौधरी से मिलना चाहता हूँ। वो अपनी कैबिन में बैठी होगी, आइए। मालती, मुझे लगता है वो किसी काम से बाहर गई है। आप बैठिए, आप बैठिए, आइए बैठिए, आप भी। जी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। आप पूछिए मत, मैं ही आपको बता दूंगा। सारे शहर को पूछे बगैर मैंने आपके बेटे के लव स्टोरी के बारे में बता दिया। ये सिलसिला कब से चल रहा है साहब? जब से शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? जब से चल रहा है। जिस लड़के ने मेरे अमित को फंसाया, क्या उसने पहले भी किसी के साथ ऐसी हरकत की थी? नहीं नहीं माता जी, आपको गलत फहमी हुई है, लड़की ऐसी नहीं है। वो तो मुझसे बेहद प्यार करती थी, लेकिन आपके बेटे अमित ने मुझे अंडमान निकोबार आइलैंड ट्रांसफर करने की धमकी देकर अंडरहैंड से ये बाजी मार ली। ब्रावो ब्रावो, काला पानी तो मैं मालती चौधरी को दूंगा। जी चैटर्जी, आपको जानकर खुशी होगी, कभी कभी औरतों की जमकर पिटाई करने को मैं बुरा नहीं समझता, ठीक है ना? इन मामलों में लड़कों की गलती होती है, उन्हीं की पिटाई होनी चाहिए। आपने सही फरमाया माता जी, एक्चुअली पिटाई तो बॉस की होनी चाहिए। मालती चौधरी का केस तो मैं खुद संभाल लूंगा। ठीक है, मालती से कह दीजिएगा वो अगर अपनी बदमाशी से बाज ना आई तो मैं उसका जीना मुश्किल कर दूंगा। आखिर तू उस तराजू से क्या तोल रहा है? वक्त की नजाकत को तोल रहा हूं दीदी। तू मेरी बात तो सुन, आज मेरी सासू ससुर जी ऑफिस गए थे, जो कुछ मैंने सुना उससे मुझे लगता है कि वो अपनी बहू के लिए तड़प रहे हैं। मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। श्रीकांत, तू ही मुझे बता, आखिर उन बेकसूरों को सजा देने से क्या फायदा? आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं दीदी, बट आई डोंट एग्री विद यू। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर आप जीजा जी की प्राइवेट सेक्रेटरी ना भी होती तो फिर कोई और होती, और फिर वो जो भी होती उसके प्यार का पल्ला भारी होता। दीदी, आज ये पल्ला आपके लिए भारी है क्योंकि जीजा जी आपके पल्ले पड़ चुके हैं, वरना अब तक तो किसी और ने उन्हें अपने पल्लू से बांध लिया होता। दीदी, ये खेल अभी चलने दीजिए, अभी तो बहुत दिन बाकी है, बहुत रातें बाकी है और बहुत बातें बाकी है। अरे रामू जी, ड्राइवर आया कि नहीं? जी साहब, लेकिन बड़े साहब गाड़ी लेकर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? निर्मल गांव। चंदनपुर? हाँ निर्मल गांव। तुम भी दफ्तर से छुट्टी ले लो और हमारे साथ चलो। तो क्यों? बहू को विदा कराने। लेकिन ये अचानक प्रॉब्लम कैसे बन गया?
अचानक नहीं, बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत कुछ सुनने को मिला, उसके बाद ये प्रोग्राम बना। तो ठीक है, आप लोग अपने प्रोग्राम में जाइए, मुझे ऑफिस जाना है, वो हिसाब किताब सालाना चेकिंग है ना। हाँ, तुम्हारी हिसाब किताब की चेकिंग मैं कल ही कर आया हूँ। तुम्हारी रिपोर्ट अच्छी नहीं है, काफी डिफिसिट चल रहा है, इसे ठीक करो वरना कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, तुम नहीं जाना चाहते हो तो हम ही चलते हैं सीधे तुम्हारे हेड ऑफिस। चलो जी। जब देखो बहु 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 बहु। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मालती, मालती, ये क्या? छोड़ो ना, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या? हाँ, अभी इसी वक्त फौरन। आज ही? लेकिन मुझे मेरे मम्मी डैडी से परमिशन लेना पड़ेगा। तो ले लो ना, मुझे उनसे मिलवा दो ना। मैं पता नहीं सब गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़? हाँ गड़बड़, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। आई कांट वेट एनीमोर। क्या तुम अपनी मम्मी डैडी का आशीर्वाद नहीं लोगे? मेरे? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे मम्मी डैडी का आशीर्वाद चलेगा। बोलो ना, कब मिलाती हो उनसे? मम्मी डैडी को तो ढूंढना पड़ेगा। ढूंढना पड़ेगा? मेरा मतलब वो शॉपिंग वॉपिंग पे गए होंगे ना, मैं ढूंढ लूंगी। अच्छा, तो मैं आज शाम को 6 बजे उनसे मिलने आता हूँ। सो लॉन्ग माय लव। सर, आपने क्या रात ऑफिस में बिताई? ये लुंगी और ये कुर्ता सर। सर, तो मतलब ये कि तुम्हारे सास ससुर तुम्हारी विदाई कराने के लिए गांव जा रहे हैं और जीजा जी तुम्हारे मन घड़ंत माँ बाप से मिलने के लिए यहाँ आ रहे। अब क्या होगा श्रीकांत? एक तो एक, अगर दो दो भांडे एक साथ फूट गए तो गजब हो जाएगा। अरे यू आर माई सिस्टर इंडिया यार, माई सिस्टर इंडिया, घबराती क्यों? देखो भांडा नंबर एक यानी कि जीरा जी वाला मामला तुम संभालो और फिर तुम एक्टिंग तो क्या ग्रेट करती हो दीदी, करती हो ना। और भांडा नंबर दो यानी कि वो गांव वाला मोर्चा मैं संभालता हूँ। बोलो क्या ख्याल है तुम्हारा? वो सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं नकली मम्मी कहाँ से लाऊंगी? अरे दीदी, हर मुश्किल का हल होता है। इतने बड़े शहर में जब हर चीज किराए पे मिलती है तो क्या नकली माँ बाप नहीं मिल सकते? आइए ना। ओ, ओ, नमस्ते। कांजी भाई, कांजी भाई, ओ आ गए हैं। कांजी भाई, कांजी भाई, आर यू लिसनिंग? कांजी भाई, कांजी भाई, कम ऑन, कांजी भाई, कांजी भाई, ओ नमस्ते। एक्सक्यूज मी। हेलो, केमन आछेन? नमस्ते, एम के बाजाबा क्या मरी गई? अरे सरलास अजाबाद सर सर सरला क्या चाली गई? कहीं समझ पड़े के सरला तो कमाल छे। बंगाली वाहन है घोटालो कहीं समझ पड़े के? ये तो भाई बहन है। तुम्हारे मम्मी डैडी कहाँ हैं? नहीं नहीं, यही मेरी मम्मी डैडी हैं। मेरी मम्मी गुजराती है ना, गुजराती में डैडी को भाई बोलते हैं। तुम गुजराती हो? हाँ, मेरी मम्मी गुजराती हैं और मेरे डैडी बंगाली हैं। गुड कॉम्बिनेशन जी। नमस्ते, नमस्ते, बैठो बैठो, आप बैठिए ना, बैठिए, यहाँ बैठे। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, इवनिंग इवनिंग, ठीक है ठीक है ठीक है। हमारी लड़की ने जैसे बताया था बिल्कुल वैसा ही है, गोरा गोरा लंबा नीली आंखों वाला, बिल्कुल राज कपूर जैसा, रियली हैंडसम डार्लिंग। यस, लेकिन हमारी छोकरी कुछ कम है क्या? गोरी सुंदर, बड़ी बड़ी आंखें, बिल्कुल राजकुमारी जैसी है। बाबा, आप में खास बात क्या है आपको मालूम है? हमारे होने वाले जवाई की मुछे, शानदार मुछे। असली है ना? जी हाँ असली है, बिल्कुल आपकी तरह।
एकदम असली है मेरी तो, क्योंकि मेरी वाइफ को मुझे बहुत पसंद है। ऐशा, मूछ होने से आदमी मर्द लगता है। कांती भाई का मूछ था, इसके वास्ते हमने उसको पसंद किया और उसके साथ शादी बनाया। अभी तुम्हारा भी मूछ है, हमारा चौकरी तुमको पसंद किया, हम तुमको हमारा चौकरी देगा। पर तुम जिम्मेदारी बराबर निभाएगा ना? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बैंक बैलेंस कितना है? बैंक बैलेंस क्यों? जिम्मेदारी का सवाल है, खाली मूछों से काम नहीं चलेगा। वो जी जी कुछ 3-3.5 लाख। 4-4.5 लाख। हाँ, 4-4.5 लाख। वेरी गुड वेरी गुड डार्लिंग। एनी पास 4-4.5 लाख रुपए बैंक बैलेंस है तो आपने 80,000 रुपए मांगिए? नहीं नहीं, 1 लाख। 1 लाख जी? क्या मतलब? मतलब हमारे चौकी के साथ शादी करने के वास्ते 1 लाख देने से ही चलेगा? नहीं 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 नहीं, हम नहीं लेगा। अरे लेगा क्या, तुमको हमको 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। हमको देना पड़ेगा? हाँ, दहेज में। दहेज बगैर तो शादी हो नहीं सकती। ये तो एकदम उल्टा सिस्टम है। एक्चुअली आप लोगों को खुश होना चाहिए कि मैं बगैर दहेज के आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, और आप लोग उल्टा मुझसे दहेज मांग रहे हैं। मालती मम्मी, ये सब तुम क्या कह रही हो? हम लोग एक दूसरे की पसंद से शादी कर रहे हैं। करेक्ट करेक्ट बेटी, तुम्हें पाल पोष कर बड़ा करने में क्या हमने खून पसीना एक नहीं किया? और तुम शादी करके अपना घर उजाला करेगी और हमारा घर अंधेरे में रहेगा। 1 लाख? 1 लाख या 50,000 कैश और 20 तोला सोना। देना हो तो दो, वरना दरवाजा खुला है। हमारी लड़की के लिए राधे श्याम झुंझुन वाला का लड़का 2 लाख रुपया देने के लिए तैयार है। कैम डार्लिंग, बराबर छेने। डार्लिंग, सौदा सस्ते में पड़ रहा है, मैं तो कहती हूँ मान जाओ। प्यार के लिए इतने पैसे ज्यादा थोड़ी है। तुम भी यही कहती हो? एक्चुअली आजकल दहेज लेना सामाजिक अपराध है, और फिर हम लोग तो एक दूसरे से प्यार करते हैं। ठीक है, 10% डिस्काउंट दे देते हैं। नो डिस्काउंट बेटा, ये दहेज एक सामाजिक अपराध है, ये तो मुझे पता है, लेकिन तुमसे ज्यादा मुझे अच्छी तरह पता है, क्योंकि मैं खुद एक औरत हूँ और मैं जानती हूँ कि इस दहेज के रोग से हम किस तरह बर्बाद होते हैं। हमारे माँ बाप से चूस चूस के दहेज लिया जाता, और फिर शुरू होता है उस हाल में हम पे अत्याचार। और ये सब चीज किस लिए? कि तुम मर्दों के लिए हम औरतों की कोई कीमत नहीं। तुम समझते हैं कि हम औरतें कमजोर हैं, हेल्पलेस है, पैरासाइट है, लेकिन ये सरासर गलतफहमी है। हम दिखा देंगे, इधर आओ। हम दिखा देंगे कि हम औरतें कमजोर नहीं है, पैरासाइट नहीं है, हेल्पलेस नहीं है। वुमेन स्लेव, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डार्लिंग, वुमेन स्लेव, जिंदाबाद। डार्लिंग, शट अप यू रैट। व्हाट डू यू मीन बाय रैट, यू कैट? ठीक है ठीक है, मुझे इजाजत दीजिए, मैं सोच के बताता हूँ। डार्लिंग मेरी बात सुनो ना, मेरी मम्मी डैडी की बातों का बुरा मत मानना प्लीज। बुरा नहीं मानना? तुम्हारे जो पिताजी ना, फ्रैंकली स्पीकिंग, पैसों के मामले में एक नंबर के कसाई है। यू नो कसाई? नो। लेकिन इसमें मैं क्या करूँ, मम्मी डैडी लोग होते हैं ऐसे। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती मालती, हम दोनों का केस तो डिफरेंट है। हम दोनों लव मैरिज करने जा रहे हैं, और लव मैरिज में पैसों का लेन देन कैसा, प्यार में व्यापार। और तुम नहीं जानती, मेरे जो पिताजी है ना, वो एक फूटी कोड़ी तक नहीं देंगे। लेकिन मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें मेरी मम्मी डैडी की बात तो माननी ही पड़ेगी। तुम एक काम करो, तुम पार्ट टाइम जॉब करो। मैं पार्ट टाइम जॉब करूँ? नहीं, देखो इस दुनिया में मेरे सिर्फ एक ही मम्मी डैडी है, लोग तो प्यार में क्या क्या कर लेते हैं, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? करूंगा, करना ही होगा। गुड है। मुझसे क्या पूछते हो? चौधरी साहब, नमस्ते। कहिए, आप लोगों का कैसे आना हुआ? मास्टर जी, ये लोग कहाँ चले गए? क्या बताऊं चौधरी साहब, उस हादसे के बाद माधुरी और माधुरी की माँ ये गांव छोड़कर हमेशा के लिए कहीं चले गए। हमेशा के लिए चले गए? इतनी शर्मिंदगी उठाने के बाद उन्होंने ये गांव छोड़ दिया। बहन जी, उन्हें तो ये जीवन छोड़ देना चाहिए था। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। श्रीकांत हमें बम्बई में मिला था, लेकिन उसने तो कुछ नहीं कहा।
देख लो इस ताले को अच्छी तरह से। तुम्हारे एक छोटे से मजाक ने इस ताले को लगाया है। बोलो है तुम्हारे पास ऐसी कोई चाबी जिससे ये ताला खुल सकता है? नहीं, अब ये ताला कभी नहीं खुलेगा। लोहे के ताले खुल सकते हैं, लेकिन गलत बातों के ताले कभी नहीं खुलते, कभी नहीं खुलते। भैया ये श्रीकांत कौन सा नया नाटक खेल रहा है? समधी दरवाजे से आकर लौट गए। माँ, एक बार तुम्हारे समधी अपने बेटे की मर्जी से आकर लौटे थे, आज वो तुम्हारे बेटे की मर्जी से लौटे हैं। चलो अंदर माँ। अच्छा मास्टर जी, मिस चौधरी, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। ये लीजिए फूलों का गुलदस्ता। बात क्या है कुमार साहब, रोज तो आप फूल लाते थे, आज ये गुलदस्ता क्यों? अंदर वाले ने जो गुल खिलाया है उसके लिए आप गुलदस्ता के ही हकदार हैं। ऊपर से आपको बधाई हो, मुबारकबाद हो। मुबारकबाद किस लिए? अभी बताता हूँ। अमित जी हार गए, मैं जीत गया और आप आजाद हो गई। क्यों, पहले क्या मैं कैद में थी? हाँ कुछ ऐसा ही है, मैं बताता हूँ। बैठिए बैठिए बैठिए। बोलिए। अमित साहब, आपको अपने प्यार मोहब्बत की जेल में कैद करके शादी का ताला लगा के ऐश करना चाहते थे, लेकिन उनका ये प्रोग्राम फ्लॉप हो गया। मुझे क्यों? क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी शादी शुदा है। उसका साला इस अमित साले को मिलने आया था, वो शादी शुदा है और उस गाँव की गवारन को बिना तलाक दिए आपको फंसा रहा है। मिस मालती, आप आजाद हो गई, मैं आजाद हो गया, और हमारा वो प्यार जो थोड़ा थोड़ा सा हुआ था ना, अब ज्यादा ज्यादा सा होने लगेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं उस बहुरूपिये को छोड़ूंगा नहीं। मैंने उसका भांडा फोड़ने के लिए कल एक पार्टी दी है, और उसकी शादी की चौथी सालगिरह पे आप देखिएगा कि जनता कैसे उसे जूतों का हार पहनाती है। कुमार, आप मुझ पे क्यों नाराज हो रही है? अगर आपको नाराज होना है तो उस नटवरराज पे होइए ना, जिसने आपको। हेलो, हाँ यस, हाँ अभी आ रहा हूँ। मैडम एक्सक्यूज मी। दीदी ये खेल अभी चलने दीजिए, अभी तो बहुत दिन बाकी है, बहुत रातें बाकी है और बहुत बातें बाकी है। वो क्या थे और हमने उन्हें क्या समझ लिया, वो क्या थे और हमने उन्हें क्या समझ लिया, पत्थर के बुद्ध को कैसे देवता समझ लिया, वो क्या थे और हमने उन्हें क्या समझ लिया, वो क्या हमने उन्हें क्या समझ लिया। हर एक लफ्ज़ का
बेटे ने तो मुझे हमेशा के लिए लेटा दिया। जीजा जी आज करवा चौथ है, दीदी पैर छुएंगी। हाँ करवा चौथ है, साल में एक ही मौका मिलता है पैर छुलवाने का। दूधो नहाओ पूतो फलो। अरे वही एक पूत तो कांटा बन गया है। आज करवा चौथ है, माधुरी आज घर में होती तो हम तीनों एक साथ। हम मंदिर जा रहे हैं। जाओ और दुआ मांगो कि अगले करवा चौथ पर सर साथ। सरस्वती तुमने मेरे पैर नहीं छुए। जीजा जी आज होली नहीं करवा चौथ है, वो तो यहाँ है नहीं। अब मंदिर जाकर अपने पति की फोटो के पैर छू लूंगी। चलो दीदी। धन्य भारतवर्ष, पति नहीं तो पति के फोटो। क्या सबसे आगे? तुम चश्मा क्यों नहीं लगाती हो? क्या है दीदी? वहां एक लड़की खड़ी है, उसके हाथ में अमित का फोटो है। दीदी क्या? मुझे तो लगता है कहीं ये वही लड़की तो नहीं जिसके साथ अमित की प्रेम लीला चल रही है। हाय भगवान, मुझे तो डर है अमित ने उसके साथ चुपचाप शादी ना कर ली। ऐसा ही होगा, वरना ये छुरे करवा चौथ के दिन यहाँ क्या कर रही है? हाँ दीदी चलो मेरे साथ, मैं आज सबक सिखाती हूँ। माँ जी, माधुरी तुम मुंबई कब आई? मुझे खबर तक नहीं की, कहाँ हो कैसी हो? माँ जी आपके आशीर्वाद से जहाँ भी हूँ अच्छी हूँ। सरस्वती यही है माधुरी, हमारी बहू रानी। देखा पति ने इसकी विदाई नहीं कराई लेकिन करवा चौथ पर उसी की पूजा कर रही है। माधुरी ये मेरे छोटी बहन है सरस्वती। प्रणाम मौसी, सुखी रहो। मैं कितने बदनसीब हूँ और कितना नालायक है हमारा बेटा, इस चांद जैसी बहू को छोड़कर शहर की लड़कियों के पीछे भटक रहा है। हाँ बहू है तो बड़ी शर्म की बात, लेकिन तुम्हें बताना बहुत जरूरी है। अमित अपने ऑफिस की किसी सेक्रेटरी के चंगुल में फंस गया है। यहाँ तुम उसके लिए पत्नी धर्म निभा रही हो और उधर वो पापी किसी कलंकनी के जाल में फंस गया है। ये तो सर्वनाश के लक्षण है। नहीं सरस्वती अब बहू मिल गई है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। माधुरी तुम सीधे घर चलो, आज करवा चौथ के साथ साथ फैसले की रात भी है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, अमित को इस बर्बादी से बचा लो। माँ जी आप बिल्कुल घबराइए मत, भगवान की दया से सब ठीक है। जिस लड़की ने आपके लड़के को अपनी जान में फंसाया है वो लड़की कोई और नहीं, मैं ही हूँ। तुम हो? मतलब अमित की प्राइवेट सेक्रेटरी मालती चौधरी तुम हो? हाँ माँ जी मैं ही माधुरी हूँ और मैं ही मालती। लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? नारी की लगन और श्रद्धा का चमत्कार है माँ जी। मैंने फैसला किया था कि अगर मुझ में शक्ति है तो मेरा सिंदूर एक दिन खुद ब खुद आकर मेरी मांग में लग जाएगा, और आपके आशीर्वाद से ऐसा ही हुआ। ससुर जी और आप मुझसे प्यार करते हैं इस बात का तो मुझे पता था, लेकिन क्या मेरे पति मुझे वापस स्वीकार करेंगे इस बात का मुझे बहुत डर लगता था माँ जी। बस अब ये सब बहुत हो गया, मुझे अपने घर ले चलिए माँ जी। नहीं बहू अब भी ये खेल खत्म नहीं हुआ, तुम्हारे पति को भी सजा मिलनी है और मेरे पति को भी। तुम्हारे ससुर जी जिंदगी भर मजाक करते रहे, यहाँ तक कि हम सबकी जिंदगी एक भद्दा मजाक बन गई, और मेरा बेटा
मेरा बेटा बेवकूफी के चश्मे से अकल की तलाश करता रहा। नहीं माधुरी, थोड़ा और सब्र करो। देखना हम दोनों सास बहू मिलकर अपने अपने पतियों को क्या सजा देते हैं। मिलाओ हाथ बहुरानी, हाथ मिलाओ। लगता है बाप बेटी की खामोश महाभारत अभी तक चल रही है। क्यों, आते ही अपनी बेवकूफी का पिटारा खोल दिया? हाँ हाँ, अकलमंद तो सिर्फ तुम लोग हो, अब सब पता चलेगा। यार तुम कैसी बीवी हो, जब देखो तब जले पर नमक चढ़कती रहती हो। अरे जाओ, जैसे कर तो तुम लोगों ने किए हैं, तुम लोगों को नमक के समुन्द्र में डाल देना चाहिए। हेलो, हेलो, कैन आई स्पीक टू मिस्टर अमित चौधरी? आप कौन बोल रही? मैं उनकी प्राइवेट सेक्रेटरी मिस मालती चौधरी बोल रही हूँ। मालती चौधरी? अच्छा, तो तू ही वो चुड़ैल है जो अमित की इज्जत लूटने की कोशिश कर रही है। अब अमित जी की तबीयत कैसी है? तबीयत कैसी है तुझे मालूम नहीं? अमित जी हार्ट अटैक से मर गए हैं। ठीक ठीक, कैसी अशुभ बातें करते हो, मुझे दीजिए नंबर। अरे भूतनी, तूने अभी तक कनेक्शन नहीं काटा? क्या बात कर रहे हैं ससुर जी, मैं तो कनेक्शन जोड़ने की सोच रही हूँ और आप तोड़ने की बात कर रहे हैं। बता जो मुझे ससुर जी कहा, पापिनी, डाकिनी, पिशाचिनी, सुन, ये टेलीफोन अपने कान में घुसेर के सुन। अगर तूने आंख उठाकर मेरे अमित को देखा तो मैं किराए के जल्लादों से तेरे 100 रुपए करवा दूंगा। हटू जी, आप बड़े प्यारे झूठे ससुर जी हो। फिर ससुर जी, क्या मतलब है तेरा? हेलो हेलो, ये झूठे डालें, मैं जिंदा हूँ, अब हमारा प्यार जिंदा है, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। अरे कौन ये बीच में बात कर रहा है, देखता नहीं मैं चोरी से बात कर रहा हूँ? चोल, पिशाचिनी, मायाबिनी, डाकिनी, समझ ले तेरे लिए अमित मर चुका है। नो डार्लिंग नो, नहीं खेलेंगे। अरे मैं बोलता हूँ ये क्रॉस करेक्शन है, टेलीफोन रख दे। हाँ सुठनी, क्या कह रही थी तू? हाय, मुझे तो सिर्फ एक ही बात कहनी है ससुर जी, कि प्यार अंडा होता है। करेक्ट, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अबे ठीक के बच्चे, तुझे शर्म नहीं आती नकली बहू और असली ससुर की बात सुनते हुए? बोल रख। हाँ भूतनी, क्या कह रही थी? प्यार अंधा होता है, अंधा होता होगा, लेकिन हम अंधे नहीं है। अगर कोई बाजारू औरत आंख उठा के मेरे बेटे को देखेगी तो मैं उसकी आंख निकाल लूंगा। अरे 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 अरे, आप क्यों तकलीफ करते हैं ससुर जी? आप हुक्म दीजिए, अगर मैंने सच्चा प्यार किया है तो मैं अपने दोनों आंखें निकाल के एक प्लेट में सजा के आपके पास भिजवा दूंगी। ठीक है, आज शाम तक भिजवा देना। नो 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 डार्लिंग, ऐसा मत करना, मेरी दुनिया में बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, प्लीज। शट अप, सुन बेंगरेनी, हम बहुत जल्दी गांव से अपनी बहू को लाकर तुझसे ब्यूटी कंपटीशन करवाएंगे, तू जरा ठहर जा। सॉरी, मैं नहीं ठहर सकती। ले आइए आप अपने गांव के गवारन को, अगर मैंने उसकी मांग से सिंदूर निकाल कर अपनी मांग में नहीं लगा लिया तो मेरा नाम भी मालती चौधरी ना है। तू नहीं या मैं नहीं, तुम सो रहे हो कि जाग रहे हो? अरे यहाँ खुद को नहीं मालूम कि मैं सो रहा हूँ कि जाग रहा हूँ, होश में हूँ या बेहोश हूँ, जिंदा हूँ या मर गया हूँ। मैं समझ गया, मैं सब समझ गई। तुम्हारे पिताजी मुझे स्वीकार नहीं करेंगे,
यही ना। देखो मालती, मुझे एक आखिरी मौका दे दो, मैं किसी भी तरह उन्हें समझा दूंगा। मालती, तुम मुझे प्यार करती हो ना? जी, दिलो जान से ज्यादा। और मालती, अगर तुम्हारे माँ बाप का मांगा हुआ दहेज अगर मैं नहीं ला पाया तो तब भी तुम मुझे प्यार करती रहोगी ना? ये भी कोई पूछने की बात है? तो फिर बस बात खत्म हो गई। हम लोग रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर वो लव मैरिज करते हैं और मेरी मम्मी गवाही दे देगी और मैं वो तुम्हारे मम्मी डैडी को लीक कर दे दूंगा कि मेरी तनख्वाह में से आधी रकम उनको तब तक मिलती रहेगी जब तक उनकी दहेज की रकम पूरी ना हो। सिंपल, ओके ना मालती? ओके। अब तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती, ना तुम्हारे माँ बाप ना मेरा खुसर बाप। तो परसों 4 बजे रजिस्ट्रार के ऑफिस में आओगी ना? ओके अमित, लेकिन याद रखना ये हमारी तुम्हारी प्रेम कहानी का आखिरी सीन होगा। द एंड। अरे सुनो, गजब हो गया, तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? देखती नहीं, ये अखबार है, खबर पढ़ रहा हूँ। खबरें पढ़नी है तो कल के अखबार में पढ़ना, तुम्हारे बेटे अमित का नाम पहले पन्ने पर छपने वाला है। क्यों, उसे कोई राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है क्या? आखिर बेटा किसका है? बेटा किसका है, जल्दी चलो, अमित अनारकली बनने वाला है। क्या, अनारकली बनने वाला है? वो बेटा से बेटी हो गया, उसका सेक्स चेंज हो गया क्या? अरे नहीं रे बाबा, अमित आत्महत्या करने जा रहा है अनारकली स्टाइल में, यानी कि अपने आप को जिंदा दफन करने जा रहा है। उसकी ये मजाल? बेटे, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं प्यार के नाम कुर्बान होने जा रहा हूँ। बेटा, तुम सचमुच एक महान काम करने जा रहे हो, हमारा घराना अमर हो जाएगा। लेकिन इस दीवार में चुना जाना ये थर्ड क्लास तरीका है, कोई अच्छा जरिया तो निकाला होता? नहीं, मैं अपने आप को जिंदा चुनवा दूंगा। ये कुछ आखिरी ईंटें आपके सामने पड़ी हैं, मेरे एक इशारे पर ये चुन दी जाएंगी और मेरी जिंदगी का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। हे मेरे बनने वाले प्यारे बेटे, एक आखिरी मौका दो और ये बको तुम किसके नाम कुर्बान हो रहे हो? मालती के नाम। राम साथे, तो फिर आखिरी ईद मैं खुद रखूंगा, आपको फांसी हो जाएगी, मैं घूस देकर बच निकलूंगा। सुनिए, अपने बेटे की हत्या मत कीजिए। मैंने जिंदगी में हर आनंद उठाया है लेकिन हत्या करने का आनंद नहीं उठाया, इसे कहते हैं स्वर्गीय आनंद। चलो शमशान घाट चलने की तैयारी करें। क्या आप पाप ऐसा? श्रीकांत, पूरे 20 तोले हैं, समझ गए ना? समझ गया समझ गया चाची, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। हमारा शिकार आ रहा है, भागो जल्दी। भागो। अरे आए हैं जान देने वाले, मैं भी बाप नहीं हूँ, हिटलर हूँ, कल मरते हो तो आज ही मरो। ये क्या, तराजू, सोना? ए लक्ष्मी, किसी दुश्मन ने हमें बताने के लिए हमारे घर में चोरी का सोना रखा है। मिस्टर चौधरी, मिस्टर चौधरी, यह सोना चोरी का नहीं, सीना जोरी का सोना है मिस्टर चौधरी। श्रीकांत, क्या बक रहे हो? जिंदगी में पहली बार मुझे फरमाने का मौका मिला, इसलिए मैं पक नहीं रहा, मैं फरमा रहा हूँ। ठीक है, फरमाइए। मिस्टर चौधरी, दोनों आंखें फाड़ के देखिए, चश्मा उतार के देखिए और चाहे तो किसी चोरी से भी दिखवा लीजिए, ये सोना एकदम असली है। मैं अंधा नहीं हूँ, ये असली है, मगर किस लिए है? मिस्टर चौधरी, आपने मेरी दीदी को इस घर की बहू बनाने के लिए 20 तोला सोना मांगा था ना? ये रहा 20 तोला सोना, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब आप भी अपना वादा पूरा कीजिए वरना मैं समझूंगा कि आप एक झूठे और मक्कार इंसान हैं।
काश कि ये थप्पड़ तुमने मुझे उस वक्त मारा होता जब मैंने 20 तोले की मजाक की थी। आज ये सोना दिखाकर तुमने मुझे 30,000 थप्पड़ मारे हैं। मैंने मजाक किया था, मजाक। मेरे बेटे अमित, जिसे गांव की लड़कियों से नफरत है, उसने इस मजाक के बेहरा चेक को कैश कर दिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। आओ आओ मेरे साथ। हाँ, ये देखो सेवर, ये देखो रुपए। जो डाकू के जमाने में मैं इकलौता लक्ष्मीपति हूँ, तो 4-5 लाख कैश रखता है हमेशा घर में। 4-5 लाख सब किसका है? मेरे बेटे का, मेरी बहू का, बहुरानी का। रस्वी सोना, इस घर की असली संपदा सच्ची शांति सुख मेरी बहू है। मुझे सिर्फ बहू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अरे सुनते हो, गजब हो गया, माधुरी की चिट्ठी आई है, बहुत ही अशुभ समाचार है। पढूं? जो बात पूछने की कोई जरूरत नहीं वही तुम पूछती हो। नारी को भेड़ बकरी पैर की जूती और बिकाऊ चीज समझने वालों को नमस्कार। 20 तोले सोना भिजवा रही हूँ, इससे शहद लगाकर सब लोग चाटो। मैं आज की नारी हूँ, अपने कदमों पर खड़ी हो रही हूँ, अपने फैसले खुद कर रही हूँ, और मेरा आखिरी फैसला ये है कि चूल्हे में जाए ऐसा थकला पति और भाड़ में जाए लालची ससुरा। मैं तो बिना तलाक के दूसरी शादी कर रही हूँ, आपकी सौभाग्यशाली माधुरी। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होने नहीं दूंगा। श्रीकांत, श्रीकांत, तू ऐसा होने मत दो। मैं मर जाऊंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगा। श्रीकांत, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। चौधरी साहब, आप मुझे पाप में डाल रहे हैं। पापी तो मैं हूँ श्रीकांत, मजाक करना भी एक तरह का पाप है, पापी मैं हूँ। फिर भी बहुरानी से कहना कि मुझे इतनी बड़ी सजा ना दे। अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो श्रीकांत। मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ, जिंदगी में अब कभी मजाक नहीं करूंगा। चाचा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके दिल को बहुत दुखाया है, अब आपका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। चाचा जी, कल दीपावली के दिए तब चलेंगे जब आपकी बहुरानी इस घर में आ जाएगी। मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ। बेटा तू फिकर मत कर, वो सज रही होगी, शर्मा रही होगी। ये 12 वाली शादी नहीं है, रजिस्टर वाली शादी है, लेकिन हया, संकोच, शर्म तो वही रहते हैं ना। परमा, शर्मा शर्मी कहीं आज की तारीख ना निकल जाए, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मेरा दिल कह रहा है वो जरूर आएगी, शायद फूलों की वरमाला खरीदने में देर होगी। अरे मां, मैंने उसे कह दिया था कि मुझे ढोकसले पसंद नहीं है, अगर पुराने तरीके से शादी करनी थी तो ये नए तरीके से लव मैरिज क्यों करता? नहीं मैरिज, यहाँ किसी को पता नहीं कि तुम्हारी शादी पहले भी हो चुकी है। आज तुम आप क्या कर रही हो? माँ, मेरी बायां तूफान में की तरह फड़क रही हैं। लगता है कोई बहुत भयंकर घटना घटने वाली है। बेटा, शुभ घड़ी में ऐसे अशुभ बातें नहीं करते। वो देखो आ गई।
ये क्या देख रहा हूँ? तुम्हारी मांग में सिंदूर? सिंदूर तो मैं लाया था। ओ, तो यही मालती है? बहू, तुम्हारी यहाँ शादी से पहले सिंदूर लगाने का रिवाज है? मालती, ये सब क्या है? सिंदूर, एक शादीशुदा औरत का सुहाग चिन्ह। देखो मालती, मजाक छोड़ो, मामला क्या है? तुम तो मेरा हार्ट अटैक करवा दोगी। हार्ट अटैक तो आपको उसी दिन हो जाना चाहिए था जिस दिन आपके गांव के भोली भाली लड़की को सिंदूर लग जाने के बाद बिलखता हुआ छोड़कर चले आए थे। अगर आपके पास दिल नाम की कोई चीज होती तो अटैक उसी दिन हो जाता जिस दिन आपने मुझसे अपनी शादी की बात छुपाकर मुझसे इश्क का नाटक रचाया। अमित, हाय, बहू को तो पिछली सब बातें मालूम है, अब क्या होगा? चुप रहो, चुप चुप। माँ जी, आप कैसी माँ है? एक बहू के जिंदा होते हुए अपनी बेटी की दूसरी शादी में गवाही देने आई हैं। आप क्या बताऊं बहू, अपने बेटे से मोहब्बत में अंधी हो गई हूँ। मिस्टर अमित चौधरी, नाटक आपने भी रचाया, नाटक मैंने भी रचाया। शादीशुदा आप भी हैं, शादीशुदा मैं भी हूँ। अगर शादीशुदा होकर आपको इश्क करने का हक है तो मुझे भी है। ये तो सच है अमित। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है। आशीर्वाद दीजिए कि पति परमेश्वर के यहाँ मेरा गृह प्रवेश मंगलमय हो। सुधा, सुखी रहो। बेटा, आप एक ही तरह का बच्चा है। हम लोग आज दिवाली के दिन माधुरी को विदा करा लाए। नंबर दो वाली बहू तो दांव देगी, अब ले देकर नंबर एक वाली बहू बची है। बेटा, आजकल लड़कियों में बड़ा इंकलाब आया है, कहीं ऐसा ना हो कि पहले वाली भी किसी और के नाम का सिंदूर लगा ले। मुस्कुरा क्यों रही हो? कुछ याद आ गया, जब अमित की डिलीवरी हुई थी अस्पताल के बाद तुम इसी तरह टहल रहे थे। और क्या करें, तब मेरा बेटा पैदा होने वाला था, आज मेरी बहू पैदा होने वाली है, मैं मतलब आने वाली है, अब तक आई क्यों नहीं? तुम तो सुधर गए, लेकिन तुम्हारा नालायक बेटा बाकी है। अगर उसने मालती को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली है, ये देखो कानूनी कागज, ये बंगला, जमीन, जायदाद, जेवर, बैंक बैलेंस सब मैंने बहू के नाम कर दिए। अब देखता हो कैसे उल्लू का पट्टा नहीं मानता। अरे बहू, आओ आओ। दिवाली के दिन साक्षात लक्ष्मी आई है, आओ बहू रानी, आओ इस घर को पवित्र करो। आओ बेटी, आओ। नहीं 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 नहीं, मैंने बहुत पाप किए हैं, और पापी मत बनाओ। बेटी, जाने अनजाने में हम सबसे गलतियां हो गई, लेकिन भगवान ने सब माफ कर दिया और तुम्हें लौटा दिया। लो, अपना घर संभालो। चलो जी, धीरा जी घर पर नहीं है क्या? उसका नाम मत लो यहाँ। बेटी, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहता, अमित ने मेरी नाक कटवा दी, हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। बाबूजी, लेकिन तुम फिक्र मत करो बेटी, अगर अब भी अमित को अकल नहीं आई तो मैं उसे घर से निकाल दूंगा। ये देखो, मैंने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया है, जमीन, जायदाद, बंगला, सब कुछ। नहीं बाबूजी, ऐसा मत कहिए, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि मैं ही माधुरी हूँ और मालती भी। जाओ। जी हाँ,
ये सच कह रही है। जब अपने से बिल्कुल बेसहारा कर दिया तो सब कुछ भूलकर इसे अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ा और अमित के दफ्तर में इसने नौकरी ले ली। मालती बनकर उसे अपने जाल में फंसा लिया। बाबूजी, अपना सुहाग वापस पाने के लिए मुझे माधुरी से मालती बनना पड़ा। अरे जय हो बेटी, जय हो। तुम ही दुर्गा, तुम ही सरस्वती, तुम ही लक्ष्मी, तुम ही माधुरी, तुम ही मालती। अच्छा, उस गधे के बच्चे को तो अभी तक मालूम नहीं है ना? जी, कौन? अमित, अमित गधे का बच्चा। नहीं। अरे वाह, तब तो बहुत मजा आएगा। आज तुम्हारे भगवान पर भी मुझे विश्वास हो गया। वापस तो आएगा जरूर, जाएगा कहाँ। सरस्वती जी, बहू को ऊपर ले जाओ। उस गधे के बच्चे की खबर मैं लूंगा। श्रीकांत, आज मेरी जिंदगी के सारे अरमान पूरे हो गए। जी, वो तो होने ही थे। रही अमित की बात, उस गधे के बच्चे को घर आने दो, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। कैद से पप कब बन गया मैं? जब से मैं एक्स वाई जेड बन गया। बेटा, तुम शराब पी रहे हो? क्या करूं मॉम, जिंदगी भर डैडी मेरी खुशियां पीते रहे तो उसी गम में मैंने आज थोड़ी सी शराब पी ली, पर ज्यादा नहीं पी है मॉम, सिर्फ 10 या 12 पैकेट। देखो अमित बेटा। अमित व्हाट बेटा? कोई अमित नहीं, कोई बेटा नहीं, सब फिनिश। अरे ये गंदी चीज फेंक दो, देखो कौन आया है, तुम्हारा साला श्रीकांत। नमस्कार जीरा जी। अरे जीजा जी के बच्चे, आज तुझे बताता हूँ, अगर हिमालय ना होता तो क्या होता? अगर हिमालय ना होता तो उसकी जगह मेरा पाप खड़ा होता, पाप, और अपने झूठे असरों से सारी दुनिया को बर्बाद कर देता और सारी दुनिया को करेले की सब्जी खानी पड़ती। अमित बेटे, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम तो तुम्हें एक खुशखबरी सुनाना चाहते हैं। खुशखबरी? वाट खुशखबरी? अब मारूंगा एक। नहीं, नहीं, नहीं बेटे, तुम हमारे इकलौते बेटे हो, तुम्हारी खुशी ही हमारी खुशी है। हम भी तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी माधुरी को भूल जाएंगे। हाँ, और तुम्हारी शादी तुम्हारी प्रेमिका मालती से ही कर देंगे। हाँ, सब भूल जाओ बेटे, सिर्फ मालती को याद करो। आई हेट मालती, मैं उससे नफरत करता हूँ, उसने मेरे साथ झूठा प्यार का नाटक किया, मेरे साथ उसने परेप किया है, मैं उसकी शक्ल जिंदगी भर नहीं देखूंगा, उसने मुझे धोखा दिया है। तुम जो जो भूलना चाहते हो हम भी वो सब भूलना चाहते हैं। हाँ हाँ, तुम कहो तो अपनी बहू माधुरी को घर ले आएंगे। यस, कभी माधुरी कभी मालती, कभी मालती कभी माधुरी। ए, क्या मजाक लगा रखा आप लोगों ने? मालती कोई नहीं चाहिए मुझको, ना गांव वाली चाहिए ना शहर वाली, मैं इसी तरह जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा और दुनिया वालों को बता दूंगा कि आप लोगों ने मेरी जिंदगी किस तरह बर्बाद की है। आप लोगों ने, एक खुशड़ बाप ने जीते जी अपने बेटे का गला घोंट दिया, उसे बर्बाद कर दिया, मार दिया। बेफिक्र रहो, ऊपर जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या कर रही हो? मुझे माफ कर दीजिए, इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। छोटी मक्कार फरेबी, पहले ऑफिस में घुसकर मेरे साथ प्यार का नाटक किया, अब घर में घुस आई, चल निकल यहाँ से, चल। नाटक तूने शुरू किया है, इसे खत्म मैं करूंगा, घुस आई यहाँ से, चल निकल यहाँ से। सुनिए तो, चल। चलो
शादी का मंडप। मतलब अभी बताता हूँ। सज्जनों और देवियों, ठहर मूर्ख, हम बाहर थे, हमारे बगैर ये लोग देवियों और सज्जनों कैसे हो गए? ले शुरू कर तेरा भाषण। सज्जनों और देवियों, आप लोगों ने ऐसी शादी ना कभी देखी होगी ना सुनी होगी, क्योंकि आज एक पति अपनी पत्नी से दोबारा शादी करने जा रहा है। क्या मतलब? मतलब ये कि जिस तरह एक दिन शादी के मंडप में लोगों के सामने मैंने अपनी पत्नी की बेइज्जती की थी, आज उसी तरह शादी के मंडप में आप लोग सबके सामने मैं हाथ जोड़कर अपनी पत्नी से माफी मांगता हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं? माधुरी से मेरी शादी उस वक्त हुई थी जब मैं बेवकूफी का चश्मा लगाया करता था, जिसके एक लेंस में मेरे आदरणीय पिताजी हमेशा मौजूद रहा करते थे। वक्त जरूर लगा, लेकिन सच्चाई सामने आ गई। इस कमल जैसी पत्नी के आसपास का कीचड़ मैं था और थे अमित के पिताजी, यानी कि मैं। इस पवित्र अग्नि के सामने जहां हमारे साथ फिर हो चुके हैं, मैं माधुरी को जन्म जन्म के लिए अपनी पत्नी स्वीकार करता हूं। माधुरी, मुझे माफ कर। लेकिन लेकिन आप बेटी, अब रहने भी दे, मुझसे मेरे दामाद का दुख न देखा गया, इसलिए मैंने इन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। इसे माफ कर दो बहू रानी, मुझे मालूम था कि करेली की सब्जी खाते खाते एक दिन इसे अक्ल जरूर आए। आज मैं बताता हूँ श्रीकांत, अगर हिमालय ना होता तो क्या होता? तो बहू रानी होती।